कहानी की शुरुआत होती है और आप अपने मेन कैरेक्टर पेक वान को देखते हैं, जो कि अपने वर्क के लिए लेट हो चुका होता है। इसी वजह से वो किसी तरह भाग के मेट्रो लाइन को पकड़ लेता है और किसी तरह वो अपने ऑफिस के यहाँ पे आ जाता है और काम करने लग जाता है। पर बीच बीच में ये गेम खेल रहा होता है, तभी अचानक से इसके बॉस इसके पीछे आ जाते हैं, जो की इसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। पर वक्त पे पेक वान यहाँ पे अपने स्क्रीन को चेंज कर देता है और वो गेम की जगह यहाँ पे वर्क स्क्रीन लगा देता है, जो देख के इसके बॉस यहाँ पे चले जाते हैं। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं पेक वान कि अब छुट्टी का टाइम हो चुका होता है और ये यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। ये फ्लैश की तरह इलेक्ट्रिक लाइट दौड़ाने लग जाता है अपनी बॉडी में और यहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इसके बॉस यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इसे कहते कि तुम्हारा काफी ज्यादा काम पड़ा हुआ है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। क्वान इसे कहता है कि आपने तो कहा था कि हमें डेडलाइन तक अपने काम को सबमिट करना है, तो आखिरकार मैं यहाँ पे ओवर टाइम क्यों करूँ। इसके बॉस इसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर दूंगा, तो ये कहता है कि मैं आपको कोर्ट में सीओ कर दूंगा। क्वान फिर यहाँ से घर जाने लग जाता है और सभी लोग यहाँ पे उसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो काफी बहादुर होता है। पर हम देखते ये क्वान का सिर्फ एक सपना होता है, वो अपने बॉस के सामने कुछ नहीं बोलता क्योंकि सबको पैसा प्यारा होता है। क्वान फिर अपने डेस्क में बैठ जाता है ताकि वो यहाँ पे काम कर सके। ये इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है क्योंकि ये 24 घंटे यही कर रहा होता है। क्वान को अपनी ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, पर क्वान कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं क्वान को काम करते करते यहाँ पे काफी देर हो जाती है, तभी क्वान के दोस्त का उसके फोन पे मैसेज आ जाता है जिसे वो पढ़ने लग जाता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है। पर गलती से इसका जो फोन है वो डस्टबिन में गिर जाता है और क्वान अपने फोन को उठाने लग जाता है। पर इससे पहले वो अपने फोन को उठाता है, यहाँ पे उस डस्टबिन से अजीब सी चीजें निकलने लग जाती है, जिन्हें देख के क्वान काफी हैरान होता है। उतने में इसके सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और वो पोर्टल इसे अपने अंदर खींच लेता है। अगले पल जब क्वान की आंखें खुलती है तो एक डॉम के अंदर होता है और उसका दोस्त मा यांग उसे उठा रहा होता है। वो इसे बताता है कि उसे जल्दी करना चाहिए, वरना यहाँ पे उसकी अटेंडेंस मिस हो जाएगी, जिसके बाद टीचर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। यहाँ पे ये काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि ये अपने फ्रेशमैन ईयर्स पे पहुंच चुका होता है। ये साल होता है 2009, इसका मतलब पेक वान सीधा 10 साल पीछे आ चुका है। ये इन सारी चीजों को समझ ही रहा होता है तभी इसका सिस्टम इसके सामने अपीयर हो जाता है और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल लिखी होती है कि ये कितना कमाता है, इसकी एज कितनी है और ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस सिस्टम का नाम होता है फॉर्चून कन्वर्जन सिस्टम और इसके अंदर के बंदे का नाम होता है रिचेस्ट। क्वान रिचेस्ट से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये इसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ ताकि तुम इस जिंदगी में यहाँ पे रिच बन सको। रिचेस्ट इसे बताता है इस सिस्टम का नाम है फॉर्चून कन्वर्जन सिस्टम, जो कि इसे फंड देने वाला है जिसकी मदद से ये पैसे वाला बन सकता है। जो सुन के ये काफी ज्यादा खुश होता है, इसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। दरअसल इस सिस्टम का एक रूल होता है, ये बेशक पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करे, वहाँ पे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, दोनों से ये पैसे कमाने वाला है। इसका मतलब चाहे ये जो भी करे ये रिच बन के रहेगा। ये फिर इसे बताता है कि सिस्टम के दिए हुए फंड से ये अपनी कंपनी खोल सकता है जिससे ये प्रॉफिट कमा सकता है, पर इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसे सिस्टम को भी देना पड़ेगा, जिसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे अपने लिए यूज कर सकता है। पर क्वान देखता है कि अगर ये प्रॉफिट कमाता है तो सिर्फ इसे 1% मिलेगा, वहीं पे अगर ये जितने भी पैसे उन्हें हार जाता है, यानी कि 50,000 को ये हार जाता है, तो इसे वो सारे 50,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, एक लॉस प्रॉफिट की तरह। ये सोचता है कि आखिरकार इस सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है। पर तभी इसे एक आइडिया आता है कि अगर ये सारे पैसे हार गया तो ये सारे पैसे इसके पर्सनल एसेट की तरह बन जाएंगे, जिसे ये खुद के लिए यूज कर सकता है। क्वान फिर इसकी सारी शर्तों के लिए मान जाता है। रिचेस फिर इसे अगला स्टेप बताता है, जो कि एक वार्निंग की तरह होता है कि ये जानबूझ के कहीं भी पैसे नहीं लगा सकता, न ही ये जानबूझ के कहीं भी पैसा उड़ा सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसके साथ जो भी होगा उसका सिर्फ भगवान ही मालिक है, रिचेस कुछ नहीं कर सकता। ये फिर इसे अपने कंपनी की कैटेगरी चुनने के लिए कहता है और उसी के साथ उसका नाम भी। पर क्वान कहते कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सभी को फिगर आउट करने के लिए, तो ये कहता कि ठीक है मैं थोड़े समय बाद आता हूँ। क्वान फिर यहाँ पे रिसर्च करने लग जाता है कि आखिरकार उसे ऐसी कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए जहाँ पे सिर्फ इसे लॉस ही होगा, और ये डिसाइड करते ये सारे पैसे गेम में लगा देगा क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पाना काफी मुश्किल होता है और ये जल्द ही बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ये इसी के साथ एक ऐसा भी गेम बनाएगा जो कि बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं होगा और ये अपने सारे पैसे हार जाएगा। रिचेस फिर यहाँ पे आ जाता है और इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी कैटेगरी क्या है। ये इसे बताता है इसकी गेमिंग कैटेगरी है। रिचेस फिर इसके कंपनी का इससे नाम पूछता है। क्वान यहाँ पे तंगड़ा टेक्नोलॉजी बोलता है, पर वो कहता है कि नहीं मुझे ये नाम नहीं रखना। पर रिचेस इसकी कंपनी का यही नाम रख देता और बताता है कि अपने कंपनी का नाम आप चेंज नहीं कर सकता। पर जाने से पहले ये दोबारा से इसे वार्न करके जाता है, ये कहीं पे भी अपने फालतू पैसे ना उड़वाए क्योंकि ये इसके लिए काफी बुरा हो सकता है। क्वान को फिर एक टाइम लिमिट मिलती है जो कि होती है 14 दिन की, जिसके अंदर इसे गेम डेवलप करके इस गेम को पब्लिश करना है। पर
इसे गेम डेवलप करना आता ही नहीं है। तभी इसका बेस्ट फ्रेंड मायांग यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसे पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या एक गेम को डेवलप करना वो भी 2 हफ्ते के अंदर, ये इम्पॉसिबल है क्या? मायांग इसे बताता है ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, और वो इसे एक साइट के बारे में बताता है जिसका नाम इसरो होता है, जिसकी मदद से ये किसी भी तरह के गेम को बना सकता है। और हाँ, इस साइट में ये सिर्फ बेसिक गेम बना सकता है और क्वान को इसी की जरूरत होती है। ये फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस तरह का गेम बनाए, और काफी देर सोचने के बाद ये कार रेसिंग को चुनता है जो कि 20,000 की होती है, और वो इसे खरीद देता है और इस गेम को डेवलप करने लग जाता है। ये यहाँ पे कस्टमाइज कर देता है इस गेम को, जिसमें इस गेम को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है, जैसे कि किसी यूजर को अगर ये गेम कंप्लीट करना है तो उसे करीब इस गेम में 8 घंटे बिताने पड़ेंगे। और इसी के साथ ये रोडो को भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है, और इस गेम का प्राइस ही 1 युआन रखता है ताकि लोग इसे खरीदे ही ना। युआन फिर काफी देर बैठने के बाद इस गेम को बना लेता है, और इस गेम से ये काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है ये गेम लॉस में जाने वाला है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं क्वान को, जो कि ये चेक कर रहा होता है कि उसके गेम को किसी ने डाउनलोड किया है कि नहीं, और ये देखता है इसके गेम को अब तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया होता है, जिससे इसने एक भी प्रॉफिट नहीं कमाया होता है। इससे ये काफी खुश होता है, ये सोचता है वो 50,000 अब इसके होंगे। उतने में यहाँ पे इसके कुछ दोस्त आ जाते हैं जो कि इन्हें कह रहे थे कि चलो गेम खेलते हैं। यहाँ पे सभी लोग एग्री करते हैं, पर क्वान इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो कल रात को ठीक से सोया नहीं था, इसी वजह से वो सो जाता है। मायांग यहाँ पे क्वान से पूछता है कि कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, पर क्वान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल क्वान इस एनवायरनमेंट पे काफी खुश होता है क्योंकि जब ये ग्रेजुएट हो गया था उसके बाद इसने यहाँ पे ऑफिस में काम करके काफी सारे गेम खरीदे थे, पर उसके बाद भी ये खुश नहीं था। पर इस लाइफ में ये अपने दोस्तों के साथ है, और जैसे ये 50,000 कमाएगा उसके बाद ये अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए गेम्स खरीदेगा और ये खेलता रहेगा, और उसी के साथ इसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक फन ट्यूबर है, और वो यहाँ पे गेमिंग के ऊपर अपना रिव्यू देता है। वो यहाँ पे गेम्स खेलता है, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखता है और उसके बारे में दूसरों को रिव्यू देता है। पर अब काफी समय हो चुका था कि इसकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं गई है, इस वजह से इसकी यहाँ पे स्पॉन्सर भी नहीं आते, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता है। ये बस किसी ना किसी तरह अपनी एक वीडियो को वायरल करना चाहता था ताकि वो उससे पैसे कमा सके। तभी यहाँ पे इसे क्वान की लॉनी डेजर्ट रोड दिखती है, और ये इस गेम को डाउनलोड कर लेता है। ये सोचता है कि अगर ये गेम अच्छा निकला तो इसके ऊपर वीडियो बना कि ये काफी सारे पैसे कमा सकता है। ये फिर क्वान का इस गेम को डाउनलोड कर लेता है और इसे खेलने लग जाता है, पर हर बार ये यहाँ पे आउट होने लग जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये गलत क्या कर रहा है। इस चीज से ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ये काफी घंटों से इसी गेम को खेल रहा होता है, पर बार बार ये इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता है, और उसी के साथ 3-4 घंटे खेलने के बावजूद ये इस गेम को पूरा नहीं कर पाता। ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है ये गेम को डिलीट कर देगा। तभी इसके स्क्रीन के सामने कुछ लिखा हुआ होता है जो कि होता है, क्या तुम पता लगाना चाहते हो कि फिनिश लाइन की दूसरी ओर क्या है? जिससे ये थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और इस गेम को थोड़ा कम्फर्टली खेलने लग जाता है और इस पे थोड़ा ध्यान देने लग जाता है, और किसी तरह ये इसे मास्टर कर लेता है। ये अपने मन को किसी तरह शांत करके इस गेम को खेलने लग जाता है, और पूरे 8 घंटे और 45 मिनट के बाद ये इस गेम को कंप्लीट कर देता है। इस गेम को कंप्लीट करने के बाद इसकी आंखों से आंसू होते हैं और उसी के साथ ही खुश भी होता है, और ये सोचता है कि आखिरकार अब ये गेम इसे क्या रिवॉर्ड देने वाला है फिनिश लाइन को पूरा करने के लिए। पर उस गेम में लिखा था कि कांग्रेट्स, तुमने अपनी जिंदगी के 8 घंटे वेस्ट कर दिए। इस चीज से ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शॉक में भी होता है। हमें फिर अगले दिन क्वान को यूनिवर्सिटी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे रिचर्ड से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार अब तक मेरे गेम ने कितना प्रॉफिट बनाया है? रिचर्ड से बताता है कि कुछ ही लोगों ने अब तक इसकी गेम को डाउनलोड किया है और इसका प्रॉफिट अब तक सिर्फ 367 युआन का हुआ है, जो कि काफी कम होता है, और ऐसे ही चलते रहा तो ये 50,000 इसके होंगे। तभी ये 2 लोगों की बात सुनता है जो कि उसी फन ट्यूबर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने इसकी गेम के ऊपर रिव्यू दिया होता है, और जैसे ये लोग यहाँ पे 8 घंटे वाले लंबे गेम के बारे में बात करती है, समझ जाता है ये इसी का गेम है जिसे अब करीब 8,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया होता है। ये समझ जाता है इसने अगर मौके पे कुछ नहीं किया तो ये सारे पैसे को हार जाएगा। ये फिर अपने डॉम के यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे अपने गेम्स के रिव्यू पढ़ता है जो कि काफी बुरे होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। उतने में मायांग यहाँ पे उसे उस फन ट्यूबर की वीडियो दिखाता है जिसने इसके गेम के ऊपर रिव्यू दिया होता है, और ये उसी वीडियो को देख रहा होता है, और ये वीडियो वायरल चली गई होती है जिस वजह से सभी लोग इसके लॉनली डेजर्ट गेम को एक बार ट्राई करके देखना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है सभी के अंदर कीड़ा होता है, जो चीज करने के लिए उन्हें मना किया जाता है लोग वही करते हैं। इस फन ट्यूबर ने इस गेम को काफी घटिया रिव्यू दिया होता है, पर फिर भी लोग यहाँ पे इसे डाउनलोड कर रहे होते हैं। मायांग फिर से कहता है कि चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, पर ये इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम करना है। क्वान इतनी ज्यादा पब्लिसिटी देख के ये सोचता है कि इस गेम को बुरा भला कहेगा, जिस वजह से लोग यहाँ पे इस गेम को खेलना ही छोड़ देंगे, पर वो फिर सोचता है इसके कमेंट करने से कुछ नहीं बदलने वाला क्योंकि लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी में इसके इस गेम को खेल रहे हैं, वरना ये गेम तो सबसे ज्यादा घटिया है। कुछ देर के बाद मायांग भी उस गेम को खेल लेता है, जिसे खेलने के बाद ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वो कहता है ये गेम सिर्फ एक स्कैम के अलावा कुछ नहीं है, सच मुझे ये काफी घटिया गेम है। पर ये इस गेम को क्वान को भी ट्राई करने के लिए कहता है, क्वान इस चीज के लिए मना कर देता है। ये फिर अपने सिस्टम की तरफ देखता है, जहाँ पे इसके पास सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं अपने गेम को लॉस करवाने के लिए,
पर यह समझ चुका होता है इसके हाथ से बात निकल चुकी है, अब वो 50,000 योन इसके कभी भी नहीं हो सकती। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़ी कंपनी के यहाँ पे, जहाँ हम देखते हैं एक हॉट सी सिक्योरिटी को। इसकी बॉस को क्वाइन की गेम के बारे में पता चल चुका होता है, तो वो उसे कहते हैं इस गेम को खरीद लो, पर इसकी सेक्रेटरी से समझाती है इससे हम बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं करने वाले, तो इसे एक्वायर करने से कोई फायदा नहीं है। ये इसे बताता है कि उसे प्रॉफिट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो अपने मार्केट में मोनोपोली चाहता है बस। इसकी सेक्रेटरी फिर से सड्यूस करके समझाने लग जाती है कि इस गेम को एक्वायर करने से कोई फायदा नहीं है, पर इसका बॉस इसे फायर कर देता और कहता है कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। हमें फिर कुछ समय के बाद क्वान को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिस्टम में देखते हैं कि इसने 2 हफ्ते के अंदर कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, जो कि होता है 70,000 युआन का। इसका मतलब इसकी कंपनी अभी प्रॉफिट में है और 1% के हिसाब से इसके पास 907 युआन आए, जिससे ये थोड़ा उदास हो जाता है। इसका सिस्टम इसे बताता है कि अब इसने इतने पैसे कमा लिया है तो सेकंड राउंड शुरू कर सकते हैं, जो कि है 3,00,000 युआन का। पर रिचर्ड इसे ये भी बताता है कि हर एक राउंड के बाद जो इसका फंड है वो बढ़ता जाएगा और ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये फिर सोचता है कि अगर ये 3,00,000 युआन हार जाए तो इसके पास काफी सारे ऐसे होंगे जिसे काफी कुछ कर सकता है, पर 3,00,000 युआन काफी ज्यादा होते हैं, जिसे खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो भी 30 दिन के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है। क्वान फिर अपने डॉम के यहाँ पे आ जाता है और ये काफी उदास होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 700 युआन होते हैं, पर ये सोचता है कि अगर ये इस बार 3,00,000 युआन हार गया तो ये एक यूजलेस पर्सन की तरह अपनी जिंदगी बिता सकता है। तभी मायंग क्वान को यहाँ पे गेम खेलने के लिए बुला लेता और पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है, पर बाद में क्वान इन सभी के साथ गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है और ये सब के सब यहाँ पे गेम खेलने लग जाते हैं, पर की वजह से ये सभी लोग इस गेम को हार जाते हैं और सभी लोग इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। पर माइंग इसका दोषी क्वांग को ठहराता है क्योंकि वो इनके स्क्वाड का प्रो प्लेयर है और वो शुरू में ही मारा गया था, पर ये इसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब उसकी गलती है और जब भी वो इनके साथ होता है ये लोग हार ही जाते हैं। तभी क्वान को एक आइडिया आता है और वो सोचता है वो इसकी मदद से अपने गेम में लॉस करवा सकता है। ये फिर मायंग को कहता है कि तुम वही पर्सन हो जिसे मैं काफी सदियों से ढूंढ रहा था। मायंग इसकी बात समझ नहीं पाता, पर जब ये लोग अगले दिन यूनिवर्सिटी में होते हैं तो क्वान इसे काफी घटिया नजरों से देख रहा होता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जब ये लोग कैफेटेरिया में होते हैं तो क्वान इसके काफी करीब आ जाता है। ये देख के सभी लोगों को काफी अजीब लगता है और वो सोचती है किस तरह की वियर्ड इंसान है। आखिर में मायंग गुस्सा करके इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। क्वान इसे कहता है कि मुझे तुम चाहिए और ये इसका हाथ पकड़ लेता है। इस चीज से सभी लोगों को काफी अजीब फील आ रही होती है। माइंग सोचता है ये से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर रहेगा, इसकी संगत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये यहाँ से भागने लग जाता है, पर क्वान इसका पीछा नहीं छोड़ता और से एक जगह घेर लेता है। मायंग फिर से फाइनली पूछ लेता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहिए, सीधे इसे बता दो। क्वान इसे कहता है कि मुझे लॉन्ली डेजर्ट की तरह एक बढ़िया गेम बना दिए। इसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें गेम बनाना बिल्कुल भी नहीं आता और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये फिर से बताता है कि मेरे पास 3,00,000 युआन है और मैंने ही लॉन्ली डेजर्ट रोड को बनाया है। इसकी ये बात सुनकर मायंग इस चीज के लिए एग्री कर जाता और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर आखिरकार मुझे करना क्या है। क्वान इसे कहता है मैं तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर हाँ एक चीज है इसके बारे में किसी को मत बताना कि हम एक गेम को डेवलप कर रहे हैं। ये कहता है कि ठीक है। मायंग फिर यहाँ से चले जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार ये गेम कैसे बना सकते हैं। क्वान इसे रोकने की कोशिश करता है पर मायंग यहाँ पे काफी सारी बुक ले आता है जिससे ये लोग गेम को बना सकते हैं, पर क्वान इसे समझाता है कि हमें इन बुक की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम इसरो की मदद से अपने गेम को बना सकते हैं, पर हाँ तुम जितनी मेरी मदद करोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। मायंग फिर यहाँ पे बुक को पढ़ने लग जाता है, पर थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो उसे रख के यहाँ पे सो जाता है। पर क्वान इस चीज के ऊपर काफी खुश होता है क्योंकि उसे एक ऐसी पर्सन चाहिए जिसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना किया जा सके। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान किसी गेम को चुने लग जाता है ताकि वो उसे बना के पब्लिश कर सके, पर यहाँ पे जितने भी गेम्स होते हैं वो काफी कम रेंज के होते हैं और अगर इनमें से इसने किसी को खरीद लिया तो ये 3,00,000 युआन को ठीक से उड़ा नहीं पाएगा, तो ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस तरह के गेम को चुने। बाद में एक मोबाइल गेम को चुनता है जो कि होता है कार्ड गेम, जिसे काफी कम लोग खेलते हैं और लोग उसे डाउनलोड करने में थोड़ी हिचकिचाएंगे क्योंकि मोबाइल यूजर काफी ज्यादा कंजूस होते हैं, और ये उस गेम को खरीद लेता है जिससे ये काफी खुश होता है और कहता है कि मैं एक और महान गेम बनाने के लिए जा रहा हूँ। तब यहाँ पे मायंग आ जाता है जो कि कहता है इन चीजों को तुम यहाँ पे इतने महंगे में क्यों खरीद रहे हो जबकि तुम इन्हें सस्ते में खरीद सकते हो, पर असल में तो क्वान इतने महंगे में इन चीजों को खरीद रहा होता है ताकि वो यहाँ पे अपने पैसे स्पेंड कर सके, वरना ये 3,00,000 कैसे स्पेंड करेगा इनके ऊपर। ये फिर से बहाना मारते हुए कहता है कि मैं एक बेस्ट कार्ड गेम बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं बेस्ट चीज खरीद रहा हूँ अपने गेम के लिए। क्वान फिर कंपनी के फंड से यहाँ पे मायंग को डिनर कराने के लिए ले आता है, जिस चीज से मायंग यहाँ पे काफी खुश होता है। तभी क्वान इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी स्टोरी को रीराइट करो। मायंग इसे बताता है कि खुद की स्टोरी बनाना काफी रिस्की हो सकता है इन्हें इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो, और जिस गेम को इसने खरीद रखा है वो है 3 किंगडम, जिसका नाम पहले से ही बना हुआ है। ये इसे कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आखिरकार हम बड़े बड़े इनोवेशन कैसे करेंगे, और ये मायंग को खुली छूट देता है कि ये स्टोरी लाइन के साथ कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे अपने दोस्तों के मुताबिक काफी अलग
अलग चीजें बनाने लग जाता है। क्वान फिर मायंग को पकड़ते हुए कहता है कि वो एक जीनियस है और वो उसके साथ उसे फ्री में काम करने नहीं दे सकता, इसी वजह से वो उसे पर डे 3,000 यूएन देने का वादा करता है। वहीं पे हमें उस आदमी के नए सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि इसे बताता है उनकी जो कंपनी है वो 3 किंगडम्स में काम कर रही है, पर उस गेम को अब ज्यादा लोग नहीं खेलते तो उस गेम को एक्वायर करने का कोई फायदा नहीं है। ये फिर इसे बताता है ये टेंगड़ा टेक्नोलॉजी को काफी समय से मॉनिटर कर रहा है, वो एक नई कंपनी है जिसने सिर्फ अब तक एक ही गेम को पब्लिश किया है। ये आदमी फिर अपनी पुरानी सेक्रेटरी का नाम लेके कहता है कि लगता है वो हमारी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, पर इसका नया सेक्रेटरी अपना नाम बताते हुए कहता है कि उसने अपने पुराने सेक्रेटरी को फायर कर दिया है। पर इसकी इस बात से इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो इस आदमी को भी यहाँ पे फायर कर देता है। सीन फिर क्वान के आ जाता है जहाँ पे ये मायंग की राइटिंग को देख के समझ चुका होता है कि इसका जो गेम है ये काफी बकवास बनने वाला है और इस बार ये 3,00,000 युआन कमा के रहेगा। ये फिर ऑनलाइन कुछ आर्टिस्ट को ढूंढने लग जाता है ताकि वो इसकी स्टोरी के हिसाब से कुछ नए कैरेक्टर्स को बना सके। वो यहाँ पे सबसे रोके आर्टिस्ट को ढूंढता है ताकि वो उसकी ड्राइंग को खराब कर सके और उसका गेम और भी खराब हो सके। ये यहाँ पे एक लूजर पे नाम के एक यूजर को ढूंढता है जो कि काफी घटिया ड्राइंग बनाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्वान को जो कि मायंग को लेकर नूडल्स खाने के लिए आ चुका होता है। तभी मायंग इसे कहता है कि मुझे एकदम बेहतरीन आइडिया है, हमें 3 किंगडम के जनरल्स को लड़कियों में बदल देना चाहिए, पर क्वान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। मायंग फिर से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि हमें एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हें आइडिया सजेस्ट किया था। पर क्वान मनी मन में सोच रहा होता है कि अगर इन सबको उसने अपने गेम में ऐड कर लिया तो वो ओताकू की नजर में आ जाएगी और लोग बिना सोचे समझे इसके गेम को खेलने लग जाएंगे। क्वान फिर से कुछ बहाना दे के इस चीज के लिए मना कर देता है। मायंग भी समझ जाता और कहता है कि चलो इस आइडिया को हम ड्रॉप कर देते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद देखा जाता है जहाँ पे ये लोग एक बोट की सवारी कर रहे होते हैं, जहाँ क्वान मायंग को समझा रहा होता है कि इन्हें हाई क्वालिटी की कार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो लो भी रहेंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। पर मायंग इसे कहता है कि अगर हमें बेहतरीन कार्ड्स बनाने हैं तो हमें एक बेहतरीन आर्टिस्ट को हायर करना चाहिए। पर क्वान समझता है कि अगर इसने एक बेहतरीन आर्टिस्ट को हायर कर लिया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्टिस्ट डायरेक्ट इसके गेम को प्रमोट कर दे जो कि इसकी डिफिकल्टीज को बढ़ा सकता है। जिसके बाद मायंग इसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक बेहतरीन आर्टिस्ट को हायर करेंगे जो कि हमारे लिए काफी ताकतवर कैरेक्टर्स को बनाएगा। पर ये कहता है कि ऐसा हम नहीं करने वाले, हम एक नॉर्मल से आर्टिस्ट को हायर करेंगे। और इन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है जिस वजह से ये दोनों गलती से इस बोर्ड को पलटा देते हैं और उसी के साथ जो इस बोट को चला रहा होता है वो भी नीचे गिर जाता है। ये दोनों फिर उसे माफी मांगते हैं। यहाँ पे क्वान फिर से समझाता है कि वो अकेले इस चीज को हैंडल कर लेगा। मायंग फिर से पूछता है क्या उसने ऑलरेडी किसी आर्टिस्ट को हायर कर लिया क्या। क्वान कहता है कि हाँ, जरा सोचो एक इलस्ट्रेटर जो कि चीबीस की ड्राइंग में काफी अच्छा है, अगर वो हमारे कैरेक्टर को डिजाइन करेगा तो हमारे पास एक यूनिक स्टाइल आ जाएगी और लोगों को तो यूनिक स्टाइल काफी पसंद आती है। मायंग इसकी इस बातों से कन्विंस हो जाता है और इससे पूछता है यहाँ तो मुझे उस आर्टिस्ट का नाम बता सकते हो, दरअसल मुझे उससे कुछ बात करनी है ताकि हम अपने कैरेक्टर के बारे में उसे अच्छे से समझा सके। क्वान इसे बताता है उसका नाम रिवान है और अगर हमें उसे बात करनी है तो हम शाम की उसकी मीटिंग बैठा सकते हैं। ये दोनों फिर अपने अंडरबेड्स में इसके साथ मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। मायंग यहाँ पे रिवान को सारी चीजें बता देता है कि वो ऑलरेडी एक गेम को डेवलप कर चुके हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है और अब ये जो गेम डेवलप करने जा रहे हैं ये भी काफी बेहतरीन होगा। तो ये पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। क्वान इसे बताता है कि हर एक कैरेक्टर के ऊपर काम करने के लिए इसे करीब 4 इलस्ट्रेटर्स की जरूरत है। ये कहता है कि उसका रेट 2,000 युआन होगा और मैं इस पे बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करने वाला। मायंग इसकी इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक न्यूबी हो, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पैसे कैसे मांग सकते हो। पर क्वान तुरंत इसके लिए मान जाता है, उल्टा वो उसे 1,500 रुपए ज्यादा देता है। पर रूल्स को तोड़ने की वजह से यहाँ पे रिचर आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूं, तुम जबरदस्ती पैसों को नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद रुआन इस चीज के लिए मान जाता और कहता है कि तुम्हें ये कितने टाइम में चाहिए। रुआन इसे 15 से 20 दिन का टाइम देता है और उसी के साथ रिचर अपना इस वार्निंग को विथड्रॉ कर लेता है। रुआन फिर इसे रिक्वायरमेंट्स को भेजने के लिए कहता है ताकि इनके मुताबिक अपने कैरेक्टर्स को बना सके। क्वान इसे कहता है कि वो तो इस चीज को भेज देगा पर वो चाहता है कि वो फ्रीली ड्राइंग करे, उसके ऊपर कोई सा भी प्रेशर नहीं है, वो किसी भी तरह से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकता है और इसे वो क्वान को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी ड्राइंग को अच्छे से बनाऊं। रुआन इस काम को पाने के बाद काफी खुश होता है क्योंकि इतने सालों के बाद किसने इसके टैलेंट को पहचाना है। क्वान फिर मायंग को राइटिंग और आर्टिस्ट से रिलेटेड सारा काम दे देता है क्योंकि क्वान को यहाँ पे गेम प्ले की डिजाइनिंग देखनी होती है, इसी वजह से वो यहाँ पे मायंग को सारी चीजें हैंडल करने के लिए दे देता है। मायंग भी फिर क्वान को कहता है कि अगर वो उससे कुछ भी करवाना चाहता वो बिना हिचक के इसके पास आ सकता है, पर क्वान ने तो जानबूझ के मायंग को ये काम दिया होता है क्योंकि मायंग के ऊपर ही भरोसा नहीं कर सकता और जब तक वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है तब तक इसका सारा काम बिगड़ जाएगा और ये गेम को ऐसा घटिया गेम बनाएगा जिसे कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। 3,00,000 युआन। युआन के फिर यहाँ पे अदर सेल बाहर निकल आते हैं जो कि इसे बताते हैं कि यहाँ पे इसे 5 युआन में गेम को डाउनलोड करना रखना चाहिए, पर उसका दूसरा
सेल्फी से कहता है कि 10 युआन के नीचे कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ ये लोग एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप भी रख देते हैं जो कि काफी सस्ती होती है। तो अगर ये चाहे भी तो भी इस गेम से प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा सकता। क्वान फिर अपने गेम के लिए अलग अलग ग्राफिक्स को खरीदने लग जाता है जो कि काफी महंगी होती है, पर क्वान को बिल्कुल भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि ये सारे अपने पैसे इस पे इन्वेस्ट करने वाला है और एक भी पैसे को बचाने नहीं वाला है। वहीं पे हमें रुआन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ मायंग इन सभी को रिक्वायरमेंट्स भेज चुका होता है, पर ये लोग यहाँ देखते हैं कि किसी भी एंगल से थ्री किंगडम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है क्योंकि मायंग ने जो कहानी लिखी होती है वो बिल्कुल भी थ्री किंगडम से रिलेटेड नहीं होती है, जो देख के इन्हें काफी अजीब लगता है। यहाँ पे फिर इसका एक साथी कहता है कि मुझे लगता है ये एक स्कैम है, पर रुआन इसे समझाता है ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी हमें एडवांस पे पेमेंट कर चुके हैं, अब हमें बस काम फिनिश करके उन्हें सबमिट करना है जिसके बाद वो हमें बाकी की पेमेंट दे देंगे। पर उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमें फ्रीली ड्राइंग करने के लिए कहा है तो हम जो चाहे वो बना सकते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से। रुआन फिर इन दोनों को अच्छे से समझाता है और इन दोनों को मोटिवेट कर देता है और ये तीनों कैरेक्टर डिजाइनिंग पे लग जाते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मायंग क्वान को उठाते हुए कहता है कि रुआन ने इनकी ड्राइंग को सबमिट कर दिया, आखिरकार वो अब क्या करे। क्वान उस ड्राइंग को ऐड करके उस गेम को पब्लिश करने के लिए कहता है तो ये कहता है कि आखिरकार तुम्हें उस गेम का नाम क्या देना है। क्वान उसका एक रैंडम सा नाम लेता है और उसका नाम रख देता है पैंथम जनरल, और इसी के साथ मायंग इस गेम को पब्लिश कर देता है। हमें फिर अगले दिन क्वान को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सोके उठा होता है, तभी मायंग इसे कहता है कि मैंने पैंथम जनरल को आज दो बार चला के देखा और वो काफी अच्छे से चल रहा है। ये इसे कहता है कि मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। मायंग फिर इसे पूछता है कि आखिरकार उस गेम के डिस्क्रिप्शन पे इसे क्या लिखना है। ये इसे कहता है कि उस गेम के डिस्क्रिप्शन पे लिख दो कि एक ऑर्डिनरी कार्ड गेम है। मायंग इसे कहता है क्या तुम रिवर्स साइकोलॉजी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हो क्या। ये कहता है कि तुम ऐसे कुछ समझ सकती हो, पर क्वान के मन में ये बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो उस गेम को डुबा के उन 3 लाख युवान को अपने पर्सनल एसेट बनाना चाहता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मायंग को उसके साथ ही मार रहे होते हैं, तभी यहाँ पे क्वान आ जाता है जो कि इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग है, इसके अंदर किसने इतनी ज्यादा डिटेल भरी। मायंग इसे बताता है ये तो हमारे गेम है, क्या तुम्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या। क्वान इसे पूछता है क्या तुमने किसी और की कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग तो इसमें नहीं भर दिया है। ये कहता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्यों करूंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट डिजाइन रुआन किया और उसने ये 2 हफ्ते में कम्प्लीट किया है। सचमुच ये काफी ज्यादा डिटेल में है, जरा ध्यान से देखो इसके कलर कितने बढ़िया है। सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रुआन ये काम किया है। इसकी ये बात सुनकर क्वान थोड़ा चिंता में आ जाता है और काफी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट डिजाइन के साथ इसका गेम सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, और ये गुस्से में एक पेड़ को जोरदार पंच मार देता है। तभी यहाँ पे मायंग इसे कहता है कि अगर उसने इतना ही अच्छा काम किया है तो हम उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे क्यों नहीं देते। पर क्वान इसके ऊपर गुस्सा करके इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। मायंग सोचता है कि लगता है क्वान पागल हो चुका है। वही भी क्वान सोच रहा होता है कि इतना अच्छा काम करने की उसकी क्या जरूरत थी, पर ये सोचता है कि काफी बार ऐसा भी हुआ है कि अच्छे गेम और अच्छे ग्राफिक डिजाइन की वजह से भी गेम यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ऐसा रहा तो यहाँ पे 3 लाख वॉन जीत जाएगा और इसके बस पैसे ही पैसे होंगे। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ मायंग यहाँ पे देख रहा होता है कि आखिरकार इनके गेम को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, पर यहाँ पे काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज होते हैं जो सुन के मायंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर जब क्वान को इस बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके गेम को कोई भी डाउनलोड नहीं करने वाला, और जितने भी यूजर्स ने अब तक इस गेम को डाउनलोड किया होता है वो सभी यहाँ पे इस गेम को 1 स्टार दे रहे होते हैं, और इस चीज से क्वान काफी खुश होता है। पर मायंग को लगता है कि क्वान का दिमागी संतुलन हिल चुका है नेगेटिव रिव्यूज की वजह से, तो मायंग यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूअर्स को वापस रिप्लाई करने का फैसला करता है, पर क्वान उसे रोक देता और कहता है कि अगर वो इन्हें रिप्लाई ना करे तो ही बेहतर रहेगा। मायंग को भी लगता है कि क्वान ऑलरेडी एक गेम को डेवलप कर चुका है तो उसे पता है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, और इसी वजह से वो किसी को भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं देता। फिर हम देखते हैं मायंग यहाँ पे कैफेटेरिया में गेम खेल रहा होता है, तभी से यहाँ पे रुआन का मैसेज आता है जो कि इसे पूछता है क्या क्वान को वो डिजाइन पसंद आए कि नहीं। ये इसे बताता है कि वो उसे काफी पसंद आई है। तभी यहाँ पे रुआन के साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। रुआन ने बताता है कि जिस गेम के लिए इन लोगों ने ड्राइंग की थी वो गेम रिलीज तो हो गई है, पर अब तक उस गेम के ऊपर इन लोगों ने एड्स नहीं लगाए जिससे वो पॉपुलर हो सकता है। इसके दोस्त इसे यहाँ पे शांत रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं वो शायद से अभी रिलीज हुआ होगा, इसी वजह से उन लोगों ने अब तक उसके ऊपर एड्स नहीं लगाए हैं। रुआन फिर रात को इस गेम को खेलने का फैसला करता है, और जब ये पहली बार इस गेम को खेलता है तो ये गेम इसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि जिस ड्राइंग को इसने बनाया होता है क्वान ने उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट लगा दिए होते हैं और ये इसे काफी अच्छा लगता है। पर यहाँ पे काफी सारी चीजें देखता है जो कि काफी अबनॉर्मल होती है गेम के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज होती है। एक बार आपने इस गेम को खरीद लिया उसके बाद सिर्फ आपको एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप खरीदनी है जो कि काफी सस्ती होती है, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्वान इस गेम के साथ बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो ये तुरंत इस चीज को जानने के बाद मायंग को कॉल कर देता और कहता है
कि आखिरकार तुम्हारे शॉप में सिर्फ एक ही आइटम क्यों है जो कि इतनी ज्यादा सस्ती है। मायंग इसे कहता है कि गेम अभी लॉन्च हुआ है इसी वजह से। ये इसे कहता है कि तुम यहाँ पे लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप बांटे हो, आखिरकार ये किस तरह का खेल है। मायंग इसे समझाता है, इसने क्यूआन को समझाने की कोशिश की थी कि और भी आइटम ऐड कर दे, पर क्यूआन ने इसे समझाया कि ये चाहता है कि यूजर्स इस गेम को एक बार डाउनलोड करने के बाद हमेशा के लिए खेलता रहे। उसने बस ये गेम यूजर्स के लिए बना रखा है, वो इस गेम से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता है। मायंग की ये बात सुन के रुआन थोड़ा इमोशनल हो जाता और कहता है कि अगर मैं मिस्टर पेक को अच्छे से जान पाता तो मैं कभी भी उनसे एक्स्ट्रा चीजें नहीं मांगता। मायंग फिर इसे बताता है कि उसने सारे पैसे गेमिंग में लगा दिए, अब उसके पास मार्केटिंग के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। रुआन फिर ये सारी बातें अपने दोनों साथियों को बताता और कहता है कि वो लोग इस गेम को सिर्फ 1v1 में बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। सचमुच क्यूआन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, पर इस बेचारे को क्या पता क्यूआन ये सारी चीजें अपने मतलब के लिए कर रहा है। वही भी हम देखते हैं क्यूआन को जो कि सोच रहा होता है कि अब गेम पब्लिश हो चुका है और काफी समय बीत चुके हैं, अब ये काफी पैसे कमाने वाला है क्योंकि अब तक उस गेम ने इसे बिल्कुल भी प्रॉफिट कमा के नहीं दिया है। तभी यहाँ पे मायांग आ जाता है जो कि इसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे अब रिच बनने वाले हैं। क्यूआन इसे पूछता है कि उसका मतलब क्या है। मायांग क्यूआन को अपने गेम को चेक करने के लिए कहता है और बताता है कि अचानक से कल काफी सारे लोगों ने इसके गेम को डाउनलोड कर लिया और अभी भी वो डाउनलोड का सिलसिला चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे लोग काफी अच्छे रिव्यू भी डाल रहे हैं। ये देख के क्यूआन सोचता है कि आखिरकार ये किसकी करामत हो सकती है, पर थोड़ी देर के बाद वो समझ आता है ये सारा काम रुआन का है। ये फिर बाहर आके रुआन को कॉल करता है और उसे ये सारी चीजों के बारे में पूछता है। यहाँ पे रुआन इसे बता देता है कि ये सारी चीजें उसने की थी। दरअसल कुछ समय पहले जब रुआन के दोस्तों को इस बारे में पता चला था तो वो कहते हैं कि आखिरकार हम इस चीज में क्या कर सकते हैं। रुआन इन्हें बताता है कि काफी सारे आर्टिस्ट इसके दोस्त हैं और इस वजह से इसने काफी सारे ड्राइंग्स उन्हें भेज रखे हैं और उन्हें इनकी मॉडलिंग काफी पसंद आई है, और ये लोग अगर क्यूआन के गेम को प्रमोट करने के लिए कहे उन्हें तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं और ये लोग ऐसे ही करते हैं। और धीरे धीरे करके क्यूआन का जो गेम है वो पॉपुलर होने लग जाता है आर्टिस्ट के बीच क्योंकि यहाँ पे इसकी डिटेलिंग काफी अच्छी होती है। क्यूआन इसे कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा गेम बर्बाद हो जाता। रुआन को ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, वो कहता है कि आपका शुक्रिया, पर क्यूआन काफी ज्यादा उदास होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अब क्या करे। वही रुआन यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्यूआन कितने बड़े दिल वाला है, वो लोगों के बारे में कितना सोचता है। हमें फिर उसे आदमी के ऑफिस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ क्यूआन के गेम के बूम करने की वजह से ये अपने सिक्योरिटी की क्लास ले रहा होता है। इसका सेक्रेटरी से बताता है कि इसने काफी सारे ट्रोल्स को हायर किया था ताकि वो क्यूआन के गेम के बारे में बुरा रिव्यू देके उसे फ्लॉप करवा सके, पर ये आदमी से कहता है कि उन्होंने पर्पस से 3 किंगडम को चुना, उनका टारगेट शुरू से ही मैं था। सचमुच मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, इस बारे में मैंने कितनी जल्दी पता लगा लिया। ये फिर अपने नए सेक्रेटरी को अपने पुराने सेक्रेटरी के नाम से बुलाता है और कहता है कि टेंगरा टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की शुरुआत कर दो। इसका ये सेक्रेटरी से बताने की कोशिश करता है कि इसका वो नाम नहीं है, पर वो बाद में इसे कहता है कि वो जो चाहे वो इसे बुला सकता है क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्यूआन को जिसे यहाँ पे इसरो के सर्विस सेंटर की तरफ से कॉल आया होता है। दरअसल इसके गेम को काफी सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, इसी वजह से इसके गेम को लोग रिकमेंडेशन लिस्ट में डालना चाहते हैं, पर ये चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई सी भी जरूरत नहीं है। वो लोग इसे अच्छे से समझाते हैं कि इसके गेम को काफी सारे लोगों ने डाउनलोड किया, इसी वजह से वो इसे रिकमेंड करना चाहते हैं। क्यूआन इन्हें कहता है कि मुझसे ज्यादा कोई और डिजर्व करता है, ये किसी और को दे दो। वो इसे कहते हैं कि इसके लिए बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगने वाले। क्यूआन फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि अगर वो पर्पसली इस रिकमेंडेशन लिस्ट की रिक्वेस्ट को मना कर दे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम के रूल्स को ना मान रहा हो और उसे ब्रेक कर रहा हो, जिस वजह से इसे पनिशमेंट भी देनी पड़ सकती है और इसका असर बिल्कुल सही निकलता है। टीचर इसके सामने आ जाता है और कहता है कि सस्पेक्ट किया गया है कि तुम रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से क्यूआन यहाँ पे उसको कह देता है कि उसे यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रिकमेंडेशन में इसके गेम को डाल सकते हैं। क्यूआन फिर रिचर्ड को कहता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, इसी वजह से मैं कन्वर्जन रेशियो को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, पर यहाँ पे रिचर्ड इसे सीधा सीधा मना कर देता है और कहता है कि हमारे एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा था। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे क्यूआन छत के यहाँ पे आ जाता है और तभी रिचर्ड इसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब ये दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार तुमने कितना ज्यादा पैसे कमाए, और इसने काफी सारे पैसे कमाए होते हैं। और उसी के साथ वो इसे अगला मिशन देता है जो कि होता है 5 लाख क्यूआन को उड़ान, वो भी 90 दिन के अंदर। ये देख के क्यूआन और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि 5 लाख क्यूआन काफी ज्यादा होते हैं और वो 90 दिन में नहीं कभी नहीं उड़ा सकता। रिचर्ड फिर क्यूआन को कांग्रेट्स करता है क्योंकि उसके गेम ने काफी प्रॉफिट कमाया होता है और 1% के हिसाब से इसके पास 2 लाख से ज्यादा क्यूआन आए होते हैं, पर वो इसे ये भी बताता है कि अगला फंड इसे ज्यादा मिलने वाला है तो इसे इतने में दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। वही क्यूआन सोच रहा होता है कि इसके सारे गेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, आखिरकार ये किस गेम में अपने पैसे गवा सकता है। क्यूआन फिर रिचर्ड से पूछता है कि जो मेरे गेम दोबारा से पैसे कमाएगा क्या उसके भी फंड तुम इसमें जोड़ दोगे। ये कहते हैं कि हाँ, तो क्यूआन इसे कहता है कि अगली बार उसे फंड की कोई जरूरत नहीं है, पर रिचर्ड इसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम्हें अगली बार भी फंड मिलके रहेगा। पर हम देख पाते कि क्यूआन इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं पे हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही दुनिया में होता है और कहता है कि
कि अगर टेंगड़ा कंपनी को हमारी अटेंशन की है तो फिर ठीक है, और ये अपने सेक्रेटरी को किसी भी कॉस्ट में उनकी कंपनी को खरीदने के लिए कहता है। सीन फिर शिफ्ट होकर जाता है क्वान के यहाँ पे, जहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो पैसे कैसे गवा सकता है, क्योंकि इस बार इसके पास जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, जो कि 5 लाख युआन है। आखिरकार ये सारे पैसों को गवा के उसे प्रॉफिट कैसे कमा सकता है। तभी से यहाँ पे मायांग का कॉल आ जाता है। ये से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। ये से बताता है कि फोहाई कैपिटल जो है वो इनकी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। तभी इसके सामने रिचर आ जाता है, जिसे देख के समझ जाता है ये अपनी कंपनी को बेच नहीं सकता। मायांग फिर इसे बताता है कि वो इसकी कंपनी को 50 मिलियन युआन में खरीदना चाहते है, जो सुन के क्वान काफी खुश होता है, पर उसे पता होता है वो इस कंपनी को नहीं बेच सकता और ये इसे मना करने के लिए कह देता है। तभी मायांग इसे बताता है कि वो लोग 100 मिलियन देने के लिए तैयार है। ये सुन के क्वान यहाँ पे बेहोश हो जाता है, पर फिर भी क्वान को इस चीज के लिए मना करना पड़ता है। तभी मायांग इसे बताता है वो इनकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती है, पर क्वान ये भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो इसे कहता है कि जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो सीधे सीधे इन्हें कह दो। वहीं पे हमें उस आदमी को दिखा जाता है, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी से बताता है कि उन्होंने इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और इनका इन्वेस्टमेंट ना लेके वो इनकी ही कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते है, जो सुन के ये आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है पे क्वान तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए देना, ठीक है, अब मेरा पूरा अटेंशन तुम्हारी कंपनी की ही तरफ है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्वान और मायांग को, जो कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे खाने के लिए आए होते हैं। मायांग क्वान को कहता है कि आखिरकार तुम उदास क्यों हो, तुम्हें तो पार्टी करनी चाहिए क्योंकि हमारी गेम एक बड़ी हिट रही है। मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इस गेम ने तुम्हें 100,000 युआन तो कमा के दिए ही होंगे, पर असल में तो क्वान ने करीब 3 महीने के अंदर 6 मिलियन युआन का प्रॉफिट किया होता है और वो कंपनी के पैसे उड़ा नहीं सकता, इसी वजह से वो पैसे इसके किसी काम के नहीं होते। मायांग फिर क्वान को कहता है कि आज ये जितना चाहे उतना खा सकता है, क्योंकि आज का जो मील के पैसे वो ये देने वाला है। क्वान फिर सोचता है कि मायांग की सैलरी 3,000 युआन है और वहीं पे क्वान को सिर्फ 1,000 युआन मिलते हैं हर महीने, पर जब मायांग के हाथ में बिल आता है तो वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये काफी बड़ा बिल होता है। और ये क्वान को कहता है क्या तुम मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में दे सकते हो ताकि मैं इस मील के पैसे दे सकूं। इसकी ये बात सुनके क्वान को एक आइडिया आता है और वो मायांग को यहाँ पे इंतजार करने के लिए कहता है और वो बाहर चले जाता है। होते हैं वो वेटर से एक रस्सी निकाल लेती है ताकि वो मायांग को यहाँ पे बांध के रख सके ताकि वो यहाँ से भागे ना। वही बाहर क्वान रिचर्ड से पूछता है कि वो किसी भी अपने एम्प्लॉय को एडवांस में पेमेंट दे सकता है क्या। ये चीज के लिए मान जाता है क्योंकि कंपनी में एडवांस पेमेंट देना एक नॉर्मल बात होती है। क्वान फिर इसे पूछता है कि वो अपने मील के भी पैसे कंपनी के पैसे दे सकता है क्या, पर ये चीज के लिए मना कर देता है। क्वान फिर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि इस मील के पैसे ही अपनी कंपनी के पैसे से दे सकता है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ये लोग एक न्यूज को देखते हैं, जहां पे एक बड़ी कंपनी IBM ने एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया होता है जिसे वो ये पता लगा सकते हैं कि कब इनके यहाँ पे बादल आने वाले और उस हिसाब से यहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। मायांग इस चीज की तारीफ करते हुए कहता है कि सचमुच टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, तुम्हें क्या लगता है हम एक दिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड गेम बना पाएंगे जो कि एक ह्यूज हिट होगी। क्वान इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सोच रहा था कि हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर दे और लोगों को हायर कर ले। मायांग कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, हम इससे एक बढ़िया सा गेम बना सकते हैं जो कि काफी ह्यूज हिट हो सकती है। क्वान कहता है कि इसमें काफी सारे पैसे लगेंगे, जैसे कि किसी जगह को रेंट में लेना, लोगों को पैसे देना और भी वगैरह वगैरह। बढ़ते भी इसे रियलाइज होता है इसे तो यही पता नहीं है कि आखिरकार एक कंपनी को कैसे रन करते हैं। उतने में इन दोनों को एक आइडिया आता है, ये एजेंसी से एक ऐसे पर्सन को हायर करेंगे जिन्हें यहाँ पे कंपनी रन करनी आती हो। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फायरी स्काई प्रोड्यूसर के ऑफिस के यहाँ पे, जहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम जो मोयान होता है, वो इस कंपनी का हेड होता है। उतने में इसकी असिस्टेंट लीन वान यहाँ पे आ जाती है। ये से पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है। ये से कहती है कि यहाँ पे रिजाइन करने के लिए आई है। मोयान ने से पूछता है क्या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या, वो चाहे तो उसे बता सकती है। लीन वान इसे बताती है कि इसे एहसास हो गया कि ये जगह इसके लिए नहीं है और यहाँ पे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती है, तो ये इसका शुक्रिया करती है इसका ख्याल रखने के लिए और ये यहाँ से चली जाती है। पर असल में तो ये सारा प्लान मोयान का ही होता है। दरअसल लिन वान के फादर ने इसे ये करने के लिए कहा होता है ताकि वो अपने सपनों पे गिव अप कर दे और घर वापस जाके अपने फैमिली बिजनेस को चलाए। इसका मतलब लिन वान एक अमीर घराने की लड़की है। यही पे हम देखते हैं क्वान और मायांग को, जो कि यहाँ पे एक पर्सन को हायर करने के लिए आए होते हैं ताकि वो उसके कंपनी को संभाल सके। यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम लॉरेंस होता है। इसे इन दोनों को यहाँ देख के लगता है कि ये दोनों यहाँ पे अपना रिज्यूम देने के लिए आए ताकि वो यहाँ पे काम कर सके, और इस वजह से ये इन दोनों से अच्छे से बात नहीं करता। पर यहाँ पे क्वान इसे बताता है कि वो यहाँ पे एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए आया है और इस पर्सन को ये लोग एनुअल सैलरी 4 लाख युआन देने के लिए तैयार है। इसकी ये बात सुन के ये इसे अच्छे से पेशाने लग जाता है और अपनी गलती के लिए इन दोनों से माफी मांगता है। ये फिर क्वान को बताता है इसकी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसकी कंपनी को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जब वो बाहर होगा और वो इसे काफी प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। पर क्वान को तो प्रॉफिट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ अपने पैसे गवा के पैसे कमाना चाहता है। तो क्वान इसे कहता है कि उसे एक फीमेल सेक्रेटरी चाहिए जो कि इसका ध्यान रख सके और इसे ये बता सके कि आखिरकार ये कंपनी को कैसे ओपन कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीज खुद से हैंडल कर लेगा।
ये इसे एक औरत का रिज्यूम दिखाता है जिसका नाम हॉलिक्स होता है और वो 28 साल की होती है और उसे काफी एक्सपीरियंस होता है और उसने काफी बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रखा होता है और ये क्वान के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काफी बढ़िया मैच होती है। तो क्वान इस चीज के लिए हाँ कर देता है। ये फिर क्वान और मायांग को बाहर ले जाने लग जाता है, पर तभी क्वान की नजर लिन वान पे जाती है जो की यहाँ पे इसी के गेम की न्यूज देख रही होती है। यहाँ पे वो लोग इसके गेम को काफी बड़ा हिट बता रहे होते हैं। तो क्वान इसे कहते हैं कि तुम्हें मीडिया की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर ये इसे कहती है कि तुम्हें इस बारे में पता ही क्या है, उन्होंने इस गेम को प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया और ये इसे डांट के यहाँ से जाने के लिए कहती है। क्वान इसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और यहाँ से जाने लग जाता है। बाद में फिर इसे बताता है कि शिनहालू कल दोपहर 2 बजे से मिलने के लिए आ जाएगी। ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया। ये आदमी फिर लिनवा के यहाँ पे आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या देखती हो, क्या तुमने डिसाइड किया कि आखिरकार तुम कौन सी कंपनी में अब काम करना चाहती हो। ये इसे कहती है टेंगड़ा कंपनी में काम करना चाहती है। ये बताता है कि जिस पर्सन से इसने अभी अभी बदतमीजी से बात की वो उसी कंपनी का मालिक था। इसकी ये बात सुनकर लिनवा शॉक हो जाती है और यहाँ पे भाग के क्वान से मिलने के लिए चली जाती है ताकि उसे बात करके माफी मांग सके, पर इससे पहले ये क्वान से बात कर पाती क्वान यहाँ से चले जाते। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्वान को जो कि एक कैफे के यहाँ पे वेट कर रहा होता है। दरअसल आज इसे शिनहालू का इंटरव्यू लेना होता है और कुछ ही देर में यहाँ पे शिनहालू भी आ जाती है जो कि इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वो कंपनी खोलने के हिसाब से काफी यंग है, सचमुच वो काफी टैलेंटेड है। यहाँ भी इसका शुक्रिया करता है इसकी तारीफ करने के लिए, पर क्वान की जगह शिनहालू ही क्वान का इंटरव्यू लेने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई और रिक्वेस्ट है क्या। ये कहता है इसकी कोई सी भी रिक्वेस्ट नहीं और ये इससे कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता, पर तभी क्वान को एहसास होता है कि बॉस तो वो है, आखिरकार शिनहालू उसका इंटरव्यू क्यों ले रही है। जिसके बाद ये इसे कुछ सवाल पूछता और कहता है कि मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। ये फिर इसे बताता है इसे इसकी जरूरत सिर्फ छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स के लिए है, बाकी अगर कोई बड़ी चीज होती है इनकी कंपनी में तो उसका डिसीजन क्वान ही लेगा और इसे इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये इस चीज के लिए मान जाती है और इसे पूछती की आखिरकार ये ऑफिस कब से ज्वाइन कर सकती है, पर ये इसे बताता है की अभी अभी ऑफिस लेने के लिए जाने वाले है। ये दोनों फिर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें बताता है की उनके बजट के हिसाब से ये जगह सबसे बेहतरीन है, पर क्वान यहाँ पे हाइलू से पूछता है कि इससे महंगी कोई जगह नहीं है क्या। ये इसे बताती है कि ये जगह सबसे महंगी है सिटी की और इसे बढ़िया प्लेस इसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये इसे कहता है कि इस पूरी बिल्डिंग को रेंट पे लेना चाहता है, जो सुन के ये प्रॉपर्टी डीलर हैरान हो जाता है और उसी के साथ वो खुश भी होता है क्योंकि यहाँ पे इसे काफी मुनाफा हो रहा होता है। तभी हाइलू से कहती है कि वो श्योर है क्या, क्योंकि यहाँ का रेंट जो है वो 360,000 युआन है, वो भी पर मंथ। इसकी ये बात सुनकर प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको सस्ते में इस बिल्डिंग को रेंट पे देने के लिए तैयार हूँ और जैसा कि आपको पता है इस बिल्डिंग का खूबसूरत नजारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पर क्वान इसे कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग का रेंट काफी कम है, थोड़ा उसे बढ़ाओ, और क्वान अपने हिसाब से इसकी बिल्डिंग का रेंट बढ़ा देता और कहता है कि वो आज से हर महीने इसे 7,00,000 युआन देगा। इसकी ये बात सुनकर प्रॉपर्टी डीलर काफी खुश हो जाता है, पर क्वान तो सिर्फ अपने पैसे लगाना चाहता है क्योंकि हर महीने उसे 3,00,000 युआन मिलने वाले हैं जिसे वो किसी भी हाल में उड़ाना चाहता है। हाइलू फिर से वो सामान का लिस्ट दिखाती है जो कि ऑफिस के लिए लाने वाले हैं, पर ये कहते हैं ये तो काफी कम में है, कम से कम तुम ऑफिस के जो फर्नीचर का बजट है वो 2,000,000 युआन रखो। तब यहाँ पे इसे सिस्टम की वार्निंग आ जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा होते हैं और आखिर में इसे फर्नीचर का बजट जो है वो 8,00,000 युआन पे डालना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें खरीदता है और यहाँ पे ऑफिस को पूरी तरह सेट करता है। ये काफी बेफजूल की भी चीजें खरीदता है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, पर इसे क्या इसे तो सिर्फ पैसे उड़ाने से मतलब है। तभी यहाँ पे हालू इसे कहती है क्या उसे उसके ऑफिस के लिए कुछ चाहिए नहीं क्या। ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। दरअसल क्वान जब तक वर्क रिलेटेड अपने ऊपर खर्चा करे यहाँ पे सिस्टम उसे वार्निंग नहीं देता, इस वजह से वो यहाँ पे किसी भी चीज को खरीद सकता है। हाइलू फिर एक रूम का रेंट पे ले लेती है जहाँ पे ये रह के अपना काम कर सकता है और उसी के साथ वो उसे वो की भी दे देती है जिससे इस रूम में एंटर कर सकता है। पर ये फिर इसे वो लिस्ट दिखाती है जिसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शन होते और हर एम्प्लॉय को वो सारी चीजें माननी पड़ेगी, पर ये सोचता है कि अगर ये सारे रिस्ट्रिक्शन रहे तो ये लूजर एम्प्लॉय को अपने कंपनी में शामिल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से अपने कंपनी का लॉस नहीं करवा पाएगा और इसमें वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। इसी वजह से ये इसे कहता है कि ये सारी चीजों को हटा दो, पर हाइलू उसे कहती है कि अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स को हटा दे तो कोई भी इनके ऑफिस में काम करने नहीं आएगा और ये एक स्कैम की तरह लगेगा और जो भी यहाँ पे काम करने आएगा वो गेम तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करने वाला। ये फिर इस चीज के लिए मान जाता और कहता है कि वो इस कंपनी के कोर एम्प्लॉय को अपने हिसाब से हायर करेगा और बाकी छोटे एम्प्लॉयर्स को ये खुद हायर कर सकती है। ये चीज के लिए मान जाती है और ये इसे कहती है कि आपको अपने लुक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपको अपने लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए और साथ ही साथ एक हेयर कट ले लेना चाहिए। क्वान फिर अपने लिए काफी सारे कपड़े खरीदता है क्योंकि एक कंपनी के लीडर को अच्छा दिखना जरूरी है, इस वजह से कंपनी के पैसे इस पे लगा सकता है।
क्वान फिर यहाँ पे सोचता है कि जहाँ जहाँ वो पैसे लगा रहा है वो तो बिल्कुल भी इसे प्रॉफिट नहीं देने वाला। इसका मतलब अब उसे मायंग जैसे एक और पर्सन चाहिए जो कि इसके पैसे वेस्ट कर सके, जिसे कंपनियों के बारे में कुछ भी पता ना हो ना ही गेमिंग के बारे में, और उसे पता होता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है। सीन फिर एक गेमिंग कैफे के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते एक पर्सन को जो की यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे क्वान आ जाता है जिसे देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं। क्वान फिर यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या उसने बांशु को देख रखा है। ये इसे कह थी कि हाँ वो तो तगड़ा गेमर है, वो अपनी सीट पे बैठा होगा जैसे वो हमेशा रहता है। हमें फिर बांशु के बारे में बताया जाता है। दरअसल बांशु एक गेमर एडिक्टेड है जो कि दिन भर गेम खेलता रहता है, और इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया है और वो काफी सब्जेक्ट में फेल भी हो चुका है। और वो करीब 3 साल से एक गेमिंग कैफे में अपनी जिंदगी बिता रहा है गेम खेल के और थोड़े बहुत पैसे कमा के। क्वान को पता होता है कि बांशु को गेम खेलने के बारे में तो काफी कुछ पता है पर गेम डेवलप कैसे करता है वो उसे बिल्कुल नहीं पता। क्वान फिर इसके पास जाके कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ काम है। ये इसे कहता है कि वो चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम है वो उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये इसे कहता है कि वो उसे गेमिंग डिजाइनर के तौर पर हायर करना चाहता है, पर यहाँ पे इसकी शक्ल देख के ये कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ काम करने नहीं चाहता, तुम एक स्कैमर लग रहे हो और वैसे भी मुझे गेमिंग डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता और वो तुम्हें पता भी है फिर भी तुम मुझे क्यों हायर करना चाहते हो। क्वान तभी यहाँ पे पैसों से भरा एनवलप इसके डेस्क के ऊपर रखते हुए कहता है कि ये तुम्हारी एडवांस सैलरी है और हमारे वहाँ पे काफी हाई स्पेसिफिक वाले कंप्यूटर्स भी है, तुम चाहो तो वहाँ पे गेम भी खेल सकते हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम जैसे पर्सन की जरूरत है जिसे गेम से इतना लगाव हो। बेशक तुम्हें यहाँ पे गेमिंग डेवलपिंग ना आती हो पर फिर भी तुम मेरे काम के हो, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये अपना तुरंत ही माइंड बना लेता और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। बांशु इस चीज से काफी खुश होता है क्योंकि वो काफी सालों से इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। क्वान फिर अपने रूम के यहाँ पे आ जाता और सोचता है कि 2 हफ्तों में उसने इतने सारे पैसे उड़ा दिए और रिजल्ट से वो काफी ज्यादा खुश है, और जब तक मायंग और बांशु जैसे लोग इसके साथ है इसकी कंपनी जरूर से पानी में डूबेगी और ये काफी प्रॉफिट कमाएगा। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान ऑफिस के लिए लेट हो चुका होता है और जैसे ही उसकी नजर घड़ी पे जाती है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और भागते हुए अपने ऑफिस के यहाँ पे पहुंचता है। तभी इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होंग सीबो होता है। सीबो इससे पूछता है कि तुम भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो। ये यहाँ पे अनजान बन के कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। क्वान इसे पूछता है कि वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है क्या, क्या वो यहाँ पे काम करना चाहता है। ये कहता है कि हाँ वो इंटरेस्टेड है और उस कंपनी में काम करना चाहता है। तो क्वान इसे पूछता है कि आखिरकार वो दोपहर के समय में यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आया। ये इसे बताते ही एक और कंपनी में काम करता है और अभी लंच टाइम चल रहा है इसी वजह से यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया है। वहाँ पे इसे ओवर टाइम करवाते इसी वजह से वो जगह इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी लिफ्ट से यहाँ पे सीबू का एक जान पहचान वाला आदमी बाहर आता है जिसका नाम लियो होता है और वो इसी की कंपनी में काम करता है। वो इसे बताता है कि टेगना कंपनी के रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रिक्ट है और वो इस कंपनी में कभी भी काम नहीं कर सकता, उसे यहाँ जॉब नहीं मिलने वाली तो उसे वापिस चले जाना चाहिए। ये इसे बताता है कि वो यहाँ पे विजिटर के तौर पर है। लियो इसे कहता है कि लगता है तुम्हारे पास ज्यादा काम नहीं है, ठीक है जब तुम वापिस आओगे तो मैं तुम्हें भर भर के काम दूंगा। ये दोनों फिर यहाँ पे लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे क्वान इसे पूछता है क्या वो तुम्हारे कोई जान पहचान वाला था। सीबू इसे बताता है कि वो इसका डायरेक्टर सुपीरियर था पर उसे ये नहीं पता था कि वो चुप चुप के यहाँ पे टंगडा कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है। ये दोनों फिर लिफ्ट से नीचे उतर जाते हैं जहाँ पे सीबू इसे बताता है कि अब जब उसके डायरेक्टर के सीक्रेट से पता चल गया तो उसे और ज्यादा टॉर्चर करेगा। पर जैसे ही ये लोग ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं यहाँ की सेक्रेटरी पे को गुड मॉर्निंग कहती है। सीबू ये देख के समझ जाता है कि जिस पर्सन से अब तक बात कर रहा था वो और कोई नहीं वो पी क्वान जो कि इस कंपनी का मालिक है। क्वान फिर से कहता है कि ये रिज्यूम विज्यूम छोड़ो चुपचाप मेरे कैबिन में आ जाओ मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्वान फिर यहाँ पे फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देता है पर ये कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे यहाँ चलना चाहिए क्योंकि मैं इस कंपनी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसा कि आपको पता है आप मेरे रिज्यूम ऑलरेडी देख चुके हो। क्वान इसे कहता है कि तुमने अपने आप को अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ये इसे कहता है कि आप ऑलरेडी मेरे रिज्यूम को देख चुके हो और अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं इस कंपनी में काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्वान इसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है। ये इसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने की वर्किंग एक्सपीरियंस है, आखिरकार आप मुझे क्यों हायर कर रहे हो। ये इसे कहता है ये तो और भी अच्छा है, कल से तुम मेरे यहाँ पे काम करने के लिए आ जाना। सीबू इसे कहता है कि आप जल्दी कह रहे हो, आपके यहाँ पे काम करने से पहले मुझे अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा। क्वान इसे बताता है कि कोई बात नहीं तुम परसों से हमारे यहाँ पे काम करने आ सकते हो। क्वान फिर से कहता है कि तुम कितनी सैलरी पे यहाँ पे काम करना चाहते हो। ये इसे कहता है कि आप 1500 युआन दे दो तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ, आप चाहो तो मैं यहाँ पे ओवर टाइम भी कर लूंगा। ये कहता है कि घबराओ मत मैं तुमसे ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा पर तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हारी सैलरी बहुत कम बता रही हो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मंथली कितना खर्चा होता है और उस हिसाब से ही मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। क्वान फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें मंथली 4000 युआन देने के लिए तैयार हूँ। सीबू फिर क्वान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप जैसा पर्सन आज तक मैंने नहीं देखा, मैं टंगड़ा कंपनी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। क्वान फिर आराम से अपने चेयर पे बैठ जाता है और सोचता है कि अब उसकी कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाने वाली, इसका बस अब लॉस होने वाला है। तभी यहाँ पे हैलू आ जाते हैं जो कि इसे कहती है कि कोई पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ये इसे कहता है कि अब ये इंटरव्यू नहीं करने वाला तो उसे वापस भेज दो। हेलू इसे
बताती है कि वो एक औरत है और उसने एंट्रेंस बंद कर रखा है, वो बस आपसे मिलना चाहती है, बेशक वो यहाँ पे काम कर पाए या फिर ना। तो कान उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और ये और कोई नहीं, ये लिनवान होती है। ये इसे कहती है कि पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी वो अच्छी नहीं होती, तो ये चीज के लिए माफी मांगती है। क्वान इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस उसे ये समझाना चाहता था कि न्यूज वाले हमेशा सच्चाई नहीं बताते। लिनवा फिर उसे पूछती है कि क्या आपके गेम का मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है क्या, पर यहाँ पे ये सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी नहीं है, असल में उनका ऑब्जेक्टिव तो पैसे लॉस करना है। ये फिर से बताता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ पे उनसे पैसे बिल्कुल भी कमाना नहीं चाहता। लिनवा फिर से पूछती है कि वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को बाहर निकाल देंगे अगर उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाए तो। पर क्वान सोचता है अगर उसने उन सबको बाहर निकाल दिया तो आखिरकार इसे यहाँ पे जो फंड मिल रहा है सिस्टम से वो उसने कहाँ पे उड़ाएगा। क्वान फिर से बताता है कि चाहे जो हो जाए ये अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को कभी भी अपनी कंपनी से बाहर नहीं निकालेगा। क्वान इसे फिर पूछता है कि आखिरकार तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो जबकि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहिए था, आखिरकार तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो क्वान यहाँ पे हेली से पूछती है कि आखिरकार ये औरत कौन है। यहाँ पे इसे बताती है कि ये लिनवान है, ये पहले फायर स्काई स्टूडियो में काम किया करती थी पर उसने खुद से रिजाइन कर दिया क्योंकि वो कंपनी से पसंद नहीं आई, मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। क्वान फिर यहाँ पे लिनवान को कहता है कि तुम जैसे पर्सन की ही मुझे तलाश थी, तुम्हें आज से मैं हायर करता हूँ, तुम हमारी कंपनी के लिए से काम करोगी। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है क्वान के दोस्तों को दिखाते हुए जो कि यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक दोस्त कहता है कि आजकल हमें क्वान कहीं दिख नहीं रहा, आखिरकार वो कहाँ पे है। उतने में यहाँ पे एक लड़का कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो अपने घर चला गया है। ये लोग इस चीज के बारे में क्यूरियस होते हैं तो ये लोग मायंग से पूछते हैं जो कि क्वान का बेस्ट फ्रेंड है। मायंग इन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि आजकल वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और उसने एक जगह को रेंट पे ले लिया और वो वहीं पे रहता है। तभी यहाँ पे एक लड़के को फैंटम गेम में एक लेजेंडरी कार्ड मिल जाता है जिससे ये सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमें पता चलता है क्वान का जो ये गेम है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। सेन फिर जाता है क्वान की कंपनी के यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं सीबू को जो कि हमें बताता है कि वो यहाँ पे करीब एक हफ्ते से काम कर रहा है पर करीब एक हफ्ते से इसे कुछ भी काम नहीं मिला है, ये सब यहाँ पे सिर्फ गेम खेले जा रहे हैं और यहाँ पे ओवर टाइम भी करना मना है, इस वजह से ये थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज है। तब यहाँ पे एक लड़की लिनवान से पूछती कि तुम्हें क्या लगता है बॉस ये सब करके क्या अचीव करना चाहती है। ये इसे बताती कि मेरे हिसाब से बॉस ये चाहते हैं कि हम गेम खेल के ये समझ पाए कि आखिरकार हमारा यूजर किस तरह के गेम को पसंद करता है, हम उन्हें एनालाइज करके कंपनी के लिए एक ऐसा गेम बनाएंगे जो कि यूजर को काफी ज्यादा पसंद आएगा जिससे कंपनी को काफी प्रॉफिट होगा और ये फ्यूचर प्रूफ भी होगा। तभी हुआंग बाउशे से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है बॉस हमें दिन भर गेम क्यों खिलवा रहे, तुम्हारा तो मैक्स लेवल है, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है। ये इसे बताता है कि क्वान ने मुझे हायर किया है और मैं उसके लिए यूजफुल होना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे लिनवान कहती है कि मैं समझ गई मिस्टर पे हमसे क्या गिरवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पे गिल्टी फील हो, हम दिन भर यहाँ पे गेम खेलते रहे और बिना वजह के हमें पैसे मिलते रहे और फिर जब हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिले तो हम अपनी पूरी जान झोंक दे उस प्रोजेक्ट को एकदम बढ़िया बनाने में। पर वांग कहता है कि जब से मैं यहाँ पे आऊँ तब से मैंने क्वान को कहीं पे भी नहीं देखा, आखिरकार मिस्टर क्वान कहाँ पे है। ये से कहती कि मेरे हिसाब से कोई बाहर बिजनेस मीटिंग पे गए हुए हैं। वही बाउशु इन सभी को समझाता है कि चाहे जो हो वो कहीं घर पे बैठ के आराम तो नहीं करे होंगे। वही पे हम देखते हैं क्वान को जो कि घर पे बैठ के आराम ही कर रहा होता है, वो यहाँ पे आराम की जिंदगी जी रहा होता है पर उसका सिस्टम बार बार उसे वार्निंग दे रहा होता है। तो क्वान कहता है कि तुम्हें पता भी है घर पे बैठे रहना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, एक कंपनी को नॉन प्रॉफिटेबल बनाना तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा मुश्किल होता है। सीन फिर ऑफिस के यहाँ पे जाता है जहाँ पे शिंग हाइलू इन सभी को कहती है कि मिस्टर पे ने कहा है कि यहाँ पे तुम लोग ओवर टाइम नहीं कर सकते हो, तुम्हें घर वापस जाना होगा। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि हम तो ओवर टाइम करते भी नहीं है पर दिन भर हमें सिर्फ गेम खेलने को मिलता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें काम कब मिलेगा। तभी यहाँ पे आ जाता है जिसे देख के ये लोग सोचते हैं कि आज इन्हें काम मिल के रहेगा और आज ये लोग ओवर टाइम करेंगे। ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खासकर की हुआंग जो कि ओवर टाइम के लिए मरे जा रहा होता है। क्वान फिर सभी को बताता है कि मैं किसी चीज की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, तुम सब सोच रही होंगी कि आखिरकार एक हफ्ते से मैं कहाँ गायब था, मैं टेंगड़ा कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। हमारी गेम कंपनी ने जो आखिरी गेम बनाया था वो एक बड़ी हिट हो चुकी है जिस वजह से हमें उससे काफी प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है और अब हम फर्स्ट पर्सन शूटर गेम बनाने वाले हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस गेमिंग इंडस्ट्री का एक लीडर बनना जिससे सभी लोग इंस्पायर होंगे। पर क्वान की ये बात सुनकर सभी लोग यहाँ पे अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। तो क्वान इन सबको बताता है कि तुम्हें पता है मेरे यहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस वाले डेवलपर आए थे जो कि यहाँ पे काम करना चाहते थे पर तुम्हें पता है उन्हें रिजेक्ट करके मैंने तुम जैसे रोकीज को यहाँ पे क्यों हायर किया है। ये फिर मायांग के ऊपर अपनी उंगली कर देता है और कहता है कि इसका जवाब मायांग देगा। मायांग फिर उसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि वो लोग वो नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है, वो हम है जिनकी तुम्हें तलाश थी। ये कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो कि अपनी पूरी जान झोंक सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि गेमिंग डेवलपर जो है उनका दिमाग एक लिमिटेड स्पेस तक रहता है क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह कोडिंग से भर चुका है और वो एक नई क्रिएटिव चीज नहीं सोच सकते। तुम्हें पता है कि तुम लोग नए यंगस्टर हो और मुझे पता है कि तुम अपने सपनों के लिए जरूर से लड़ोगे। ये फिर यहाँ पे सीबो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम एक हिडन जेम हो पर इस चीज को सीबो खुद ही नहीं समझ पा
पाता। तो क्वान कहता है कि देखा, वो इस चीज को खुद समझ नहीं पा रहा कि वो हमारी कंपनी के लिए हिडन जेम है। वो पिछली कंपनी में यहाँ पे 12-12 घंटे काम किया करता था और उसने हमारे काफी सारे डेटा टेबल्स को भर रखा है। सचमुच उस जैसा मेहनती इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। ये बात सुन के सब लोग इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इसके बाद बारी आती है बोंगशो की। ये से कहते हैं कि बोंगशो, आज से पहले तुम सिर्फ गेम खेलते थे पर तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, पर आज से तुम एक गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हो और मुझे पता है और मैं चाहता भी हूँ कि तुम हर एक गेम को मास्टर करो और यूजर के ब्रेन को पढ़ सको ताकि हम उनके लिए एकदम बेस्ट गेम बना सके। ये कहते हैं कि हाँ, ऐसा मैं जरूर करूंगा। क्वान फिर इन सबको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसी मेरे पास टीम है तो कैसे मैं फेल हो सकता हूँ। ये सब फिर यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं कि ये सब मिलके दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बनाएंगे। तो ये कहते हैं कि बेस्ट गेम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अपना पहला गेम से भी शुरुआत कर सकते हैं। क्वान फिर यहाँ पे बोंगशो और वांग को कहता है कि इस गेम को डेवलप करने की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे बस ये बता देना कि तुम यहाँ पे गेम में क्या क्या ऐड कर रहे हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये इन दोनों को फिर एक जगह ले आता है, जाइए से बताता है कि मुझे इस गेम में इजी कंट्रोल, स्टोरी मोड और इन गेम वेपन परचेज चाहिए। मेरी यहाँ पे 3 डिमांड है। ये लोग इसे पूछते कि आप बताइए। ये से बताता है कि मुझे जो कंट्रोल है वो एकदम सिंपलर चाहिए ताकि यूजर उससे अच्छे से खेल पाए, और उसी के साथ मुझे स्टोरी काफी लंबी खींचनी है जिसे लोगों को उसमें मजा आ सके। इस कहानी में सिर्फ प्लेयर वर्सेस प्लेयर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो चीज याद रखना कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, और अगर वेपन की बात करें तो अनयूनिक होना चाहिए और कूल होना चाहिए, वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। ये फिर सोचता है कि गेम को तबाह करना कितना बढ़िया होता है। तभी यहाँ पे हुआंग कहता है कि आप जो बता रहे हो हमें वो हमारे हार्डकोर गेमर्स को पसंद नहीं आने वाला। मेरे हिसाब से हम गेम को जितना प्लेन रखे उतना ही बेटर रहेगा। अगर हमने ज्यादा इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की तो लोगों को ये गेम पसंद नहीं आएगा, और अभी हमारी जैसी टीम है मुझे नहीं लगता कि हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को इतनी जल्दी बना पाएंगे। अगर हमने इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ किया तो मुझे नहीं लगता ये गेम मार्केट में चल पाएगा। ये कहता है कि यही तो मुझे चाहिए, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे हुआंग से पूछता है कि आपका मतलब क्या है। ये कहता है कि कुछ नहीं, मुझे तुम पे विश्वास है, मुझे लगता है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती हो। क्वान फिर इन दोनों को देख के सोचता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो उसके गेम की फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये फिर यहाँ पे हुआंग को लीड डिजाइनर बना देता है, और उसी के साथ वो यहाँ पे बोंगशो को गेम मॉडरेटर बना देता है, और इन दोनों के इन्हीं के हिसाब से एक ड्राफ्ट बनाने के लिए कहता है गेम का। फिर हमें दिखाया जाता है क्वान को जो कि यहाँ पे मजे कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि एक बॉस बनके दूसरों को ऑर्डर देना कितना बढ़िया है, और जिन लोगों को इसने हायर किया है उनके साथ अगर ये काम करेगा तो ये जरूर से अपने सारे पैसे गवा देगा। इसका मतलब हर महीने जो इसे फंड मिलेंगे वो हर महीने इसके पर्सनल एसेट में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये फिर जब बाहर जाता है तो ये देखता है बोंगशो को जो कि यहाँ पे ओवर टाइम कर रहा होता है, पर ये इसे मना नहीं करता क्योंकि ये पूरी रात गेम ही खेलते रहता है। क्वान फिर इसे बाय बाय कहकर यहाँ से चले जाता है, और तभी हुआंग इसके डेस्क के नीचे से बाहर निकलता है। यहाँ पे दरअसल सिर्फ बोंगशो को ही ओवर टाइम करने की अलाउंस होती है। बोंगशो इसे पूछता है कि अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। ये इसे कहता है कि उस चीज की इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि क्वान जैसे बॉस इसे कभी कभार ही मिलते हैं जो कि इसके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। ये बस अपने बॉस के लिए यूजफुल साबित होना चाहता है, इसी वजह से वो ओवर टाइम भी करेगा। हमें फिर दिखा जाता है रात को जहाँ पे इन दोनों को काम करते करते काफी समय हो चुका होता है, पर वांग को अब तक गेम के लिए कोई बढ़िया सी स्टोरी नहीं मिली होती है। तो यहाँ पे बोंगशो से कहता है कि तुम्हें इतना चिंता नहीं करना चाहिए, तुम कॉफी पी के थोड़ा आराम करो। ये इसे कहता है कि मैं ब्रेक लेना डिजर्व नहीं करता, मुझे किसी भी हाल में गेम के लिए एक बड़ी सी स्टोरी लिखनी पड़ेगी। ये इसे कहता है कि एक स्टोरी वो भी गेम के लिए बनाना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना तुम भी दूसरे लोगों की कॉपी करके वही कहानी अपने गेम में चेप दोगे। तुम्हें पता है क्वान में मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगती है, वो सबसे कम पैसे का यूज करके सबसे बढ़िया चीज बनाता है जिस वजह से वो यहाँ पे हिट भी स्थापित होता है। मेरे हिसाब से हमें भी यहाँ पे उसी के जैसे सोचना पड़ेगा ताकि हम सबसे कम पैसों में सबसे बढ़िया गेम बना सके। तो ये कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है क्या, तुम मुझे बता सकते हो क्या। ये कहता है कि हाँ, मेरे पास सबसे बढ़िया आइडिया है, हम पैसों को सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में खर्च करेंगे और छोटी मोटी चीजों पे हम सबसे कम पैसे लगाएंगे। वांग फिर से कहता है कि तुम्हारे पास कोई बढ़िया आइडिया है क्या। ये कहता है कि हाँ, मेरे पास एकदम बढ़िया आइडिया है। ये फिर यहाँ पे वांग को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वांग इसे पूछता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। ये इसे कहता है कि उधर देखो। वांग कहता है कि ये जगह तो समुद्र से पेट्रोल निकालने वाली जगह लग रही है। ये कहता है कि हाँ, ये जगह काफी ज्यादा छोटी है जिस वजह से हमें लोकेशन में ज्यादा खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, और उसी के साथ ये जगह काफी ज्यादा यूनिक भी है जिसे आज तक किसने गेम में उतना यूज नहीं किया है। तभी यहाँ पे इसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, तो किसी तरह ये वांग को बचा लेता है। वांग इसे कहता है कि हमारे गेम में ज़ॉम्बी क्या कर रहा है। ये इसे बताता है कि प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ सकते हैं पर उसी के साथ ये सब उनके ऊपर हमला करेंगे, और इन सब ने अगर उन्हें मार दिया तो वो लोग इस राउंड को हार जाएंगे। और अब बात करते हैं कि कंट्रोल्स की, हम उन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे यूजर्स को ज्यादा तकलीफ ना हो ज़ॉम्बीज़ को या फिर प्लेयर से लड़ने में।
और उसी के साथ वो उनकी एक्यूरेसी भी खुद से डिसाइड कर सकती है। ये दोनों फिर जॉम्बी से भागते हुए किसी तरह यहाँ पे छत पे आ जाती है, जहाँ पे हुआंग इसे पूछता है कि ये सब तो ठीक है पर तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार हमारी स्टोरी मोड क्या होने वाली है। ये से कहता है कि वो भी मुझे पता है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है साइड कैरेक्टर। ये कहता है कि साइड कैरेक्टर, ये कहता है कि तभी इनके सामने एक क्यूट सी लड़की अपीयर हो जाती है। हुआंग इसे पूछता है कि ये सब क्या है। ये फिर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे बात नहीं करती। तो यहाँ पे बोंगशु से बताता है कि तुम्हें पता है उसकी माउथ और उसका एक्सप्रेशन या फिर वॉइस आर्टिस्ट को लगाने में हमें काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसी वजह से हम अपने साइड कैरेक्टर को गूंगा रखेंगे। और वो इशारों से अपने गेमर्स को समझाएगी कि आखिरकार उसे क्या करना है। अगर वो साइड कैरेक्टर की बात मान के मिशन कंप्लीट कर देता है तो बढ़िया है, अगर वो ये समझ नहीं पाता है तो ज़ॉम्बी उसे मार देंगे। हम फिर देखते हैं हुआंग इस लड़की से भाग भाग के एक जगह आ जाता है जहाँ पे ये लड़की इसे एक वेपन थमा देती है और उसके बाद हुआंग यहाँ पे इन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है। हुआंग को बोंगशु का ये आइडिया काफी पसंद आता है तो बोंगशु उसे कहता है कि घबराओ मत, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके बाद हम एक बड़ा गेम जब बनाएंगे वो तो इससे भी खतरनाक होने वाला है। वांग फिर बोंगशु को कहता है कि तुम्हारी सोचने की ताकत सचमुच काफी अमेजिंग है, मैं तो तुम्हारी दुनिया में खोसा गया था। ये से कहता है कि अब मैं समझा कि तुम यहाँ पे ओवर टाइम क्यों करते हो। पर बोंगशु कुआन की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से कुआन भी यही सोचता है, बस वो हमें बताना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ये सारी चीजें खुद से सीखे और यहाँ पे सारी चीजों को खुद से बनाए और तभी वो हमारे इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये दोनों कहते हैं कि सचमुच कुआन एक महान इंसान है और सारी चीजें उसी के कंट्रोल में है। पर वांग फिर इसे पूछता है कि वेपन्स के बारे में तुम क्या करोगे, हमें रेयर वेपन्स बनाने पड़ेंगे। ये से कहता है कि उसकी चिंता तो मत करो, मेरे पास काफी सारे वेपन्स के आइडिया है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते घड़े के यहाँ पे, जहाँ पे सुबह के 9 बज चुके होते हैं और इन ओवर टाइम करते हुए काफी समय हो चुका होता है। पर बोंगशु ने जो हुआंग को वेपन दिखाया होता है उन सारे वेपन्स के लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ये कहता है कि चाहे जो हो जाए इस गेम को मैं एकदम परफेक्टली डिजाइन करूंगा। तभी हम देखते यहाँ पे मायंग आ जाता है जो कि बोंगशु को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके लिए खाने के लिए कुछ लाता है। पर तभी ये देखता है हुआंग को और उसे देख के मायंग को उसके ऊपर शक हो जाता है और ये से कहता है कि कहीं तुम सीक्रेटली ओवर टाइम तो नहीं कर रहे हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हुआंग सीबू को जो कि यहाँ पे चुपके से ऑफिस में आया होता है, पर यहाँ पे बोंगशु उसे देख लेता है और उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये इतना अर्जेंटली नहीं है, तुम्हें हमेशा ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सीक्रेटली आने की जरूरत है। ये से कहता है कि मिस्टर पे ने जो मुझे टाइम दिया है वो मुझे फिट नहीं बैठ रही है, इसी वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है ताकि मैं अपने काम को कम्प्लीट कर सकूं। पर बोंगशु कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर वे ऐसी रोकी सी मिस्टेक करेंगे। तो ये से कहता है कि ये सब छोड़ो, मेरा प्रपोजल ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इसमें क्या फ्लो और क्या नहीं और ये कितना बढ़िया बना है। बोंगशु फिर यहाँ पे इसे काफी सारे बातें बताने लग जाता है जो कि इसके सर के ऊपर से निकल रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आता जो भी बोंगशु से समझाता है और इस वजह से बोंगशु से दोबारा बताने के लिए कहता है। बोंगशु फिर इसे बताता है कि मैं अब तुम्हें एक सिमिलर गेम दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे जैसे ही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं मायंग इन दोनों को ओवर टाइम करते हुए देख लेता है। हमें फिर कॉलेज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ मायंग और कुआन एक जगह बैठे होते हैं और क्लास ले रहे होते हैं। पर तभी कुआन को यहाँ पे मैसेज आता है जो कि यहाँ होता है सीबो का, जो कि इसे बताता है कि इसने गेम के फ्रेमवर्क को कंप्लीट कर दिया है, अब बस उसके अप्रूवल की जरूरत है। कुआन ये सब देख के सोचता है कि इसने तो सबको ओवर टाइम करने के लिए मना किया है पर आखिरकार ये सब इतनी जल्दी इस काम को कैसे कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये फिर सोचता है कि अगर फ्रेमवर्क बढ़िया बन गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तभी यहाँ पे मायंग इसे बताता है कि हुआंग सीबो जो है वो ओवर टाइम कर रहा है और इसकी बात सुन के कुआन गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे हुआंग सीबू से बात करने के लिए जाने लग जाता है। पर यहाँ पे तभी मायंग इसे बताता है कि वो यहाँ पे ऑफिस का कंप्यूटर गेम खेलने के लिए यूज कर रहा है। तो ये दोनों वापस आ जाते हैं क्योंकि इसमें कुआन का ही फायदा है। कुआन फिर सीबू को मैसेज करके कुछ चीजों की परमिशन दे देता है और उसी के साथ वो यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा चेंज करने के लिए भी कहता है। तभी मायंग इसे कहता है कि वो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, हमें मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पर कुआन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गेमिंग इनके कंपनी का काम का एक हिस्सा है। वहीं पे हम देखते हैं ऑफिस के यहाँ पे जहाँ पे सीबो सबको बताता है कि कुआन रेडी हो गया ओवर टाइम के लिए, इसी वजह से अब ये रात भर काम कर सकते हैं और इन्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुआन यहाँ पे इन्हें यहाँ रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सब फिर यहाँ पे ओवर टाइम करने लग जाते हैं और जिन चीजों के बारे में इन्हें समझ नहीं आता है ये यहाँ पे बोंगशु या फिर हुआंग सीबो से पूछते हैं। वहीं पे हमें कुआन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि पुराने गेम से इसके पर्सनल एसेट भी बढ़ गए और उसी के साथ यहाँ पे इसके जो फंड है वो भी बढ़ चुके हैं और 73 डेज में इसे
खत्म करना है। तभी रिचेस इसके सामने आ जाता है जो कि इसे बताता है कि 22 यूएन यहाँ पे इसके पर्सनल एसेट से काट देखे क्योंकि इसने बतख खरीदा है। ये सोचता है कि आखिरकार ये इतने सारे पैसे को कैसे खर्च करे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मायंग आ जाता है तो कुआन इसे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। मायंग इसे बताता है कि हुआंग सीबू ने सबको यहाँ पे ओवर टाइम गेम खेलने में लगा दिया है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो यहाँ पे ये लोग रात भर गेम खेल के दिन में काम नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये लोग अपने गेम को कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह सुनकर कुआन को आइडिया आ जाता है कि आखिरकार वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। ये फिर से बताता है कि एम्प्लॉय अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं इनके कंपनी के लिए और एक एम्प्लॉयर और बॉस के तौर पर इन्हें उन्हें यहाँ पे ओवर टाइम देना चाहिए क्योंकि वो इनकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उनके हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, इसी वजह से ये उन्हें ओवर टाइम देना चाहता है। मायंग इसकी बातों से पिघल जाता है और कहता है कि तुम सचमुच काफी अच्छे इंसान हो कुआन। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सीबू कुआन को बताता है कि वो प्रोजेक्ट प्रपोजल कंप्लीट कर चुका है, अब उसके अप्रूवल की जरूरत है। पर ये सोच रहा होता है ये तो मेरी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट से भी काफी ज्यादा हार्ड है, आखिरकार मैं क्या करूँ। कुआन फिर से कहता है कि इस बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था और इसी वजह से मैं तुम्हें फुल क्रिएटिविटी कंट्रोल देता हूँ। पर ये इसे कहता है कि उसके बाद भी आपको गेम का टाइटल तो डिसाइड करना ही होगा ना। पर ये इसे कहते हैं कि इस बारे में चिंता मत करो, वो हम आराम से सोचेंगे, अभी तुम्हें यहाँ पे कैफेटेरिया में जाके लंच कर लेना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं कैफेटेरिया के यहाँ पे जहाँ पे मायंग इनके लिए काफी सारा खाना ला चुका होता है। मायंग इन सबको बताता है कि आज से इन सभी के लिए यहाँ पे फ्री लंच होगा, इन्हें किसी चीज के लिए भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे इनके लिए जिम ट्रेनर्स भी हायर किए जो कि यहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग देंगे। पर यहाँ पे सी वोलियन वान को कह रहा होता है कि मुझे पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो ये इसे पूछती कि आखिरकार ऐसा क्यों। ये इसे कहता है कि मैंने आज तक किसी बॉस को इतना दरिया दिल होते हुए नहीं देखा है, वो हमें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। तो ये इसे कहती है कि वो इसलिए ताकि हम अपने काम पे फोकस कर सके और हमारी हेल्थ भी बढ़िया रहे जिससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा, इसी वजह से कुआन ये सब कर रहा है। इसकी ये बात सुन के सीबू इसे कहता है कि सचमुच तुम्हारा और पे का माइंड बिल्कुल सेम टू सेम है। इसकी ये बात सुन के लिन वान कुआन के सपने देखने लग जाती है पर ये किसी तरह से होश मिलाता है और कहता है कि कुआन ने जब हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम ओवर टाइम करके उसकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे, हम इतना ज्यादा काम करेंगे जिससे वो इंप्रेस हो जाएगा। तभी इनके फोन में एक मैसेज आता है जो कि कुआन ने भेजा होता है, इसमें ओवर टाइम के इन्हें पैसे दे गए होते हैं और इस बारे में बात करने के लिए वान यहाँ पे जाती है। वो इसे कहता है कि अब ओवर टाइम करना बंद नहीं है पर मैं हर घंटे के हिसाब से अब तुम्हें ओवर टाइम के पैसे दूंगा। यहाँ पे लिनवान इसे कहती है कि इसकी इन्हें कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से इसकी ऑफर को रिजेक्ट करना चाहते हैं। पर कुआन सोचता है कि आखिरकार इनकी प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार कौन ओवर टाइम पेमेंट को रिजेक्ट करता है। ये फिर इसे कहता है कि तुम मेरे से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन समझ सकते हो। लिनवान फिर बाहर आ जाती है जहाँ पे सभी लोग इसे पूछते हैं क्या उसकी ऑफर को इसने रिजेक्ट कर दिया। ये इसे कहती कि नहीं, इसने उसकी ऑफर को रिजेक्ट करने की काफी कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। सोचते कि सचमुच इनका बॉस पेक वान कितना अच्छा इंसान है, वह अब इन्हें ओवर टाइम के भी पैसे दे रहा है। तभी बोंगशो इन सबको कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे शेड्यूल में हम गेमिंग टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे और मुझे पता है कि हमारे ऊपर पे बिल्कुल भरोसा करता है, इसी वजह से मैं उसके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता, हम लगातार काम करेंगे। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कुआन बोंगशो को अपने ऑफिस के यहाँ पे बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें बिल और मटेरियल को देख के क्या लग रहा है। ये इसे कहता है कि अब तक हमारे कंपनी ने टोटल 670,000 युआन खर्च कर दिए है, हमारे खर्च को बारीकी से मॉनिटर किया गया है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे ज्यादा खर्च नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, हमने कहीं पे भी पैसे वेस्ट नहीं किया है जो कि काफी अच्छी बात है। पर कुआन इसे कहता है कि ये कैसी अच्छी बात हो सकती है, एक अच्छा गेम बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। पर बोंगशो कहता है कि मेरे हिसाब से इतने पैसे काफी एक अच्छा गेम बनाने के लिए। ये इसे कहता है कि तुम भूल गए कि आखिरकार तुम किस वजह से गेम बनाना चाहते हो, इतना अमाउंट काफी नहीं है एक गेम को डेवलप करने में, एक बढ़िया से गेम को डेवलप करने में, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा गेम बनाने के लिए तुम हमारे बजट को डबल कर दो। ये इसे कहता है कि ठीक है, आज से हम किसी भी सर्वर को रेंट पे नहीं लेंगे, उसके जगह हम पूरा का पूरा सर्वर ही खरीद लेंगे जो कि कॉस्टली होगा पर इससे हम एक अच्छा गेम बना पाएंगे। कुआन सोचता है ये तो काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, अब मजे आने वाले क्योंकि मैं अपने सारे पैसे खर्च करने वाला हूँ। कुआन फिर से कहता है कि गेम लॉन्च होने के बाद हम सर्वर्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और उसी के साथ वो इसे ये भी कहता है कि बजट कम है तो वो उसे बढ़ा सकते हैं पर ये अपने संपटों को लिमिट ना दे। सीन फिर जाता है फायर स्काई स्टूडियो के बॉस के यहाँ पे जहाँ पे वो एक आदमी से बात कर रहा होता है, वो उसे कह रहा होता है वो किसी भी हाल में टेंगड़ा कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो आदमी उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो उसका दुश्मन है वो उसकी कंपनी का भी दुश्मन है। तभी इसका सेक्रेटरी से बताता है कि टेंगड़ा कंपनी के एम्प्लॉयज काम पे रखने लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन्हें गेमिंग डेवलपमेंट में से कुछ भी नहीं आता। ये इसे कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो बचाता है कि वो किसी
भी हाल में टेंगड़ा कंपनी की डिस्ट्रॉय कर दे, इसी वजह से वो सभी के सभी एम्प्लॉयज को खरीद ले। वही हमें फिर बॉन्सो को दिखाया जाता है जो कि वन पर्सन शूट से रिलेटेड गेम्स को देख रहा होता है, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी और भी अलग अलग गेम्स होते हैं। यहाँ पे इसे पता चलता है कि लोग यहाँ पे इन गेम को खेलने के लिए मरे जा रहे होते हैं, और इसी वजह से कंपनी भी यहाँ पे काफी सारे पैसे लगाती है और वो यहाँ पे टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करती है, और इसी वजह से ये गेम इतने ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उतने में यहाँ पे सीबू आ जाता है जो कि इसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। ये इसे बताता है वो काम से रिलेटेड वीडियोस को देख रहा है। सीबू से पूछता है कि आखिरकार वो उन डॉक्यूमेंट्स को कब अप्रूव करेगा जो उसने पहले दे रखे थे ताकि अपने काम को कम्प्लीट कर सके। ये इसे कहता है ये वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से अभी थोड़ा बिजी है। उतने में यहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उतने में यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम काम कर सके। धीरे धीरे करके यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो कि बॉन्सो से अलग अलग सवाल पूछने लग जाते हैं, और बॉन्सो को इस प्रेशर की कभी भी आदत नहीं थी, इसी वजह से उसका सर दर्द होने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे सीबू से कहते हैं कि तुमने मेरी काफी मदद की थी गेमिंग डिजाइन से रिलेटेड, तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये फिर सभी एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद यहाँ पे इन सभी को एक अनजान कंपनी से कॉल लेता है, और ये और कोई कंपनी नहीं, ये फायर स्काई कंपनी होती है। सीन फिर क्वान की तरफ जाता है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में होता है और अपने क्लास को अटेंड कर रहा होता है। पर तभी इसे यहाँ पे मायक का कॉल आता है जो कि आज यूनिवर्सिटी में नहीं आया होता है। ये उसे पूछता है कि आखिरकार वो यूनिवर्सिटी में आज क्यों नहीं आया। पर मायंग इसे बताता है कि इसके लिए एक बुरी खबर है, वो ये है कि फायर स्काई स्टूडियो इलीगली इनके एम्प्लॉयज को खरीद रहा है। इसकी ये बात सुन के ये तुरंत यहाँ से भाग जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्वान को जो कि काफी परेशान लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे इसके जो एम्प्लॉय है उन्हें यहाँ पे कोई इलीगली खरीद रहा होता है। ये जब यहाँ पे ऑफिस में पहुंचता है तो उसे यहाँ मायंग मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, हम शुरू से शुरू कर सकते हैं। ये कहता है कि कम से कम मुझे ऑफिस का हाल तो देखने दो। ये जब ऑफिस का हाल देखता है तो यहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई होती है। वो सोचता है कि आखिरकार इस जगह का हाल उन लोगों ने कैसे बना दिया है, आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि जैसे उन्हें यहाँ पे फायर स्काई स्टूडियो से ऑफर आया उन लोगों ने यहाँ पे ऑफिस को तबाह करना चालू कर दिया क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा घटिया है उन लोगों के लिए। तभी मायंग इसे कहता है कि चलो क्वान हम यहाँ पे फायर स्काई स्टूडियो को यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उनके पीछे का सीक्रेट क्या है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं। वही क्वान सोच रहा होता है कि आखिरकार हम मैं क्या करूं, मुझे यही नहीं पता कि आखिरकार गेम कैसे डिजाइन करते हैं, वो सब उन लोगों को पता था और वो सब अब चले गए हैं। वही मायंग इसे कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम शुरू से शुरू करेंगे और दोबारा से टॉप पे जाएंगे। ये इसे कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो। तब ये लोग देखते हैं यहाँ पे ह्योंग सुबू आ जाता है और उसी के पीछे कंपनी के बाकी एम्प्लॉय भी होते हैं जिन्हें देख के यहाँ पे क्वान हैरान हो जाता है और साथ ही साथ मायंग भी। क्वान इनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग अब तक यहाँ से क्यों नहीं गए। यहाँ पे ह्योंग सिबू कहता है कि आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात करे, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हो इसी वजह से वो लोग काम कर रहे हैं। मायंग ने कहता है कि तुम्हें तो फायर स्काई स्टूडियो से ऑफर आया था, आखिरकार उसका क्या हुआ। ये लोग इसे बताते हैं कि हाँ हम सबको फायर स्काई स्टूडियो से ऑफर आया था और उन लोगों ने हमें काम देने की बात की थी पर हम लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये कहते हैं कि तुमने फायर स्काई स्टूडियो को ऑफर रिजेक्ट कर दिया, आखिरकार यूं तुमने क्यों किया। ये लोग कहते हैं कि ये जगह सबसे बढ़िया है हमारे लिए, हमारा बॉस भी यहाँ पे सबसे बढ़िया है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसी वजह से यहाँ पे हम अच्छे से काम कर पाते हैं और ऊपर से क्वान यहाँ पे हमारे ऊपर चिल्लाता नहीं है जैसे हमारे पुराने बॉस क्या करते थे। पर मायंग कहते हैं कि हम यहाँ पे फायर स्काई स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तुम सीरियस तो हो ना, उसका ऑफर कौन ही रिजेक्ट करेगा। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो इस इंडस्ट्री का लेजेंड है, क्या तुम श्योर हो। ये कहते हैं कि हाँ हम श्योर है क्योंकि हमारा लेजेंड तो हमारे सामने है जो हमेशा हमारा ख्याल रखता है और हमें यहाँ पे मोटिवेट करते रहता है। यहाँ पे ये सब लोग फिर क्वान को देखने लग जाते हैं पर क्वान कहता है कि मैं कोई लेजेंड विजेंड नहीं हूँ, मैं बस एक अच्छा इंसान हूँ जो कि तुम्हारी मदद करता है एक बढ़िया से गेम को बनाने में। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। ये इसे बताता है दरअसल हम एवी रूम में जो गेम हमने बनाया उसकी टेस्टिंग करे थे। तो ये कहता है कि आखिरकार ऑफिस का फिर ऐसा हल कैसे हुआ। सीबू इसे बताता है कि दरअसल हमने जैसी गेम कंप्लीट किया हम शेड्यूल से पहले गेम को कंप्लीट कर चुके थे, इसी वजह से हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऑफिस को तितर बितर कर दिया जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब फिर यहाँ पे साफ सफाई करने लग जाते हैं। पर क्वानी ने कहता है कि क्या तुमने अभी अभी क्या कहा कि तुमने गेम को कंप्लीट कर लिया है। सीबू कहता है कि हाँ। ये सब फिर यहाँ पे एवरी रूम के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे क्वान देखता है कि इन लोगों ने उस गेम को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया होता है और सीबू उसे बताता है कि अगर उसे स्टोरी मोड या फिर किसी में कुछ चेंज करवाना हो तो वो चेंज करवा सकता है। यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इन लोगों ने इतनी बढ़िया गेम कैसे बना दिया और आखिरकार इन लोगों को अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए किसने कहा था। इन लोगों ने इतनी जल्दी गेम कंप्लीट कर दिया है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे फंड वेस्ट हो जाएंगे। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार ये अपना फंड कैसे वेस्ट करे। तभी से एक आइडिया होता है जो कि होता है टीम बिल्डिंग इवेंट। ये फिर यहाँ पे सभी को बताता है कि हमारे गेम को कंप्लीट करने की वजह से मैं यहाँ पे टीम बिल्डिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे शिंग हाइलू एक आदमी को ले आती है तो क्वानी से पूछता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है।
सीबो इसे बताता है ये फायर्स का स्टूडियो का वही आदमी है जो कि हमें इलीगली अपनी कंपनी में काम करवाना चाहता था। क्वान फिर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो ये इसका हाथ ही खींच लेता और कहता है कि मिस्टर पे आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, अगर फायर्स का स्टूडियो मुझे यहाँ पे नहीं भेजता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा ऑफिस भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आप जैसे बॉस भी है, और अगर सच कहूँ तो मैं यहाँ पे फुंगहाई कंपनी को छोड़ के आपके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। ये इसे कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या आपको यहाँ पे फुंगहाई ने भेजा या फिर फायर्स का स्टूडियो ने? ये इसे बताता है फुंगहाई और फायर्स का स्टूडियो मिलके आपको नीचे गिराना चाहते हैं, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे यहाँ पे कोचिंग के लिए भेजा था और वही लोग आपके गेमिंग के सेक्शन में काफी बुरा भला लिखते हैं ताकि आपका गेम डूब जाए। ये सोचता है ये तो मेरे लिए बेनिफैक्टर का काम करेंगे, ये लोग सचमुच काफी अच्छे हैं जो कि मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, पर ये इस आदमी को कहता है कि तुम मेरे लिए नहीं काम कर सकते। हमें फिर कंपनी के जिम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब मिलके बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे सीबो बोंगशु से पूछता है कि उसने डिसाइड कर लिया कि आखिरकार वो टीम बिल्डिंग के लिए कहाँ जाने वाला है। ये से बताता है इस चीज के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि जो गेम इन लोगों ने बनाया उसे और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ये उसी में लगा हुआ है। तब यहाँ पे लिन वान कहती है कि मेरे हिसाब से मिस्टर पे चाहते हैं कि हम खुद से डिसाइड करें कि आखिरकार हम टीम बिल्डिंग के लिए कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं, और मेरे पास एकदम बढ़िया प्लेस है जहाँ पे हम जा सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन सी जगह है। ये से कहती है कि वो है फायर्स का स्टूडियो, मैं फायर्स का स्टूडियो के लोगों को देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो कैसे काम करते हैं। उतने में यहाँ पे क्वान आ जाता है जो कि इसकी सारी बातें सुन लेता है और इसे कहता है कि ठीक है हम फायर्स का स्टूडियो में जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। दरअसल क्वान इन सबको वहाँ पे इसलिए ले जा रहा है ताकि वो उनका काम दिखा के इन सबको डीमोटिवेट कर सके, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे डेवलपमेंट में बिल्कुल भी अच्छा ना कर सके और इसकी कंपनी डूब जाए। क्वान फिर यहाँ पे टीम बिल्डिंग का बजट जो है वो यहाँ पे 450,000 युआन बताता है। फिर हमें यहाँ पे पार्टी का यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इन सबको बताता है कि कल ये लोग फायर्स का स्टूडियो के यहाँ पे जाने वाले है। यहाँ पे सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि क्वान ने कहा होता है कि जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं, पर ये फिनिशिंग हाइलू से कहता है कि हमारा बजट तो 450,000 युआन है, आखिरकार हम इतने छोटे से होटल में क्यों आए हैं। ये से बताती है कि लिन वान ने इसे कहा था कि इनका जो बजट है वो 1.5 लाख युआन का है। इसकी बात सुनकर क्वान सोचता है कि लगता है लिन वान ने थोड़ा गलत सुन लिया था। क्वान फिर मायंग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल जब हम फायर्स का स्टूडियो के यहाँ पे जाए तो तुम उनसे काफी सारे सवाल पूछो और इनके पास की मिस्टेक्स के बारे में भी पूछो ताकि हम वो मिस्टेक रिपीट कर सके। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम उनके पास की गलती रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज के लिए राजी हो जाता है। हमें फिर अगले दिन फायर्स का स्टूडियो के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी सेक्रेटरी से बताती है कि टेंगड़ा कंपनी वाले इन्हें यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है। ये इसे बताता है कि हम सब तो एक ही गेम पे काम करें, आखिरकार वो यहाँ पे विजिट करने क्यों आया है। ये इसे बताती है कि दरअसल हमारी कंपनी ने उनके एम्प्लॉयज को पोच करने की कोशिश की थी जिसमें हमारी गलती थी, और उसी के साथ जो उस कंपनी का हेड है उसने यहाँ पे फैंटम जनरल को बना रखा है जिसे हम हल्के में बिल्कुल नहीं सकते। मेरे हिसाब से हमें उन्हें एक बार अपनी कंपनी का विजिट करवा देना चाहिए। ये शुरू में थोड़ा हिचकिचाता तो है पर ये उसके बाद मान जाता है। फिर हम देखते हैं ये सब यहाँ पे इस फायर्स का स्टूडियो को देखने लग जाते हैं। यहाँ पे इनका स्टूडियो इन्हें काफी पसंद आता है, ये जगह काफी बड़ी होती है और यहाँ पे काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं और ये सभी लोग इन सभी को देख रहे होते हैं कि आखिरकार वो कैसे काम कर रहे होते हैं। क्वान फिर फाइनली फायर्स का स्टूडियो के बॉस से मिलता है जहाँ पे उसका स्वागत करता है, पर ये देखता है कि क्वान ने काफी महंगी घड़ी पहन रखी होती है और उसके कपड़े भी यहाँ पे कस्टम मेड होते हैं, जिन्हें देख के ये सोचता है ये सचमुच काफी बड़ा दिखावटी है। वही क्वान सोच रहा होता है कि आज रात वो यहाँ पे खाने में क्या खाए जो काफी डिलीशियस हो। ये फिर क्वान को कहता है कि हमारी कंपनी सचमुच काफी ज्यादा बड़ी है, अगर आप ध्यान से ना घूमो तो यहाँ पे आप गुम भी हो सकते हो। ये कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी कंपनी के क्लास ऑलरेडी देख चुका हूँ, आपके कंपनी के बारे में मैंने काफी सुना है। तो ये से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको एक डॉल देने के लिए तैयार हूँ जो हमारी कंपनी की लग्जरी है और ये कहीं पे बिकती भी नहीं है। उतने में क्वान के सभी एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाते हैं जो कि क्वान को बताते हैं कि ये टॉप नॉच कंपनी तो सिर्फ नाम की है, इस कंपनी में कुछ भी नहीं है एम्प्लॉय के लिए, यहाँ पे लोगों को खाना भी खरीद के खाना पड़ता है और आधे से ज्यादा जो फर्नीचर है वो तो बहुत ही पुराना है, और उसी के साथ यहाँ के जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के स्पेक्स है वो काफी पुराने हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए होते हैं। ये बात सुन के यहाँ का जो बॉस है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये लिन वान को कहता है कि तुम अपने दिमाग के हिसाब से एकदम बढ़िया कंपनी में गई हो जो कि मिड रेंज कंपनी है जहाँ पे किसी के पास भी दिमाग नहीं है कि आखिरकार एक गेम को कैसे डेवलप किया जाता है। ये फिर अपने सभी एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आज कॉर्पोरेट एक्सचेंज इवेंट होने वाला है, आखिरकार तुम सब कहाँ पे हो, और इसके चिल्लाते यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज आ जाते हैं और इनकी मीटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है जहाँ पे मायंग इसे पूछता है कि आज यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जबकि आज सैटरडे है, क्या आप इन सबसे ओवर टाइम करवा रहे हो? इसे कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि आज सैटरडे है। तब यहाँ पे सीबू इसे बताता है कि ज्यादातर कंपनियों में यहाँ पे ओवर टाइम करवाते हैं और उस ओवर टाइम की भी पैसे नहीं देते। ये फिर से कहता है क्या तुम भी अपनी कंपनी में यही चीज करते हो, क्या तुम ओवर टाइम के पैसे नहीं देते हो क्या?
ये से क्या था कि ओवर टाइम के किस चीज के पैसे, आप गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा ना। अब इक्वान यहाँ पे मायंक को टॉट मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे उसे नीचे दिखाने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। यहाँ पे फिर वो लेडी ने कहती है कि हमारे फायर्स के स्टूडियो को इंट्रोडक्शन की खोज होती है, हमारे स्टूडियो ने काफी बेहतरीन गेम बनाया और कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ा गेम हमने बनाया था जिसमें यहाँ पे लिनवान का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। वो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे लिनवान ठीक से कुछ कर नहीं पा रही थी, इसी वजह से उसने यहाँ पे रिजाइन कर दिया, जिसके बाद हमारी जो सरदर्दी है वो थोड़ी कम हो गई। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे लिनवान के ऊपर हंसने लग जाते हैं। पर क्वान कहता है कि लिनवान को अपने डायरेक्टर के तौर पर पाके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ये फिर लिनवान को कहते हैं कि जो भी चीजें तुमने यहाँ पे दूसरों से करवाई है वो यहाँ पे सबको बताओ और सबको एक्सप्लेन करो। लिनवान फिर यहाँ पे सबको बताने लग जाती है कि आखिरकार इनकी कंपनी क्या करती है और आखिरकार क्वान का विजन क्या है। ये इन सबको बताती है कि क्वान किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं डालता किसी के गेम को बनाने के लिए, वो गेम को सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि यहाँ पे लोगों को मजा आ सके और इसमें वो पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। जैसे कि कुछ समय पहले उसने डेजर्ट रोड बनाई थी जो कि एक बहुत ही बढ़िया गेम था, जहाँ पे नेगेटिव पर्सन जो उस गेम को खेल ले तो यहाँ पे वो पॉजिटिव पर्सन में कन्वर्ट हो जाता था और उस गेम से लोगों ने काफी कुछ सीखा है ताकि वो यूनिवर्सिटी में टॉप ग्रेड भी ला चुकी है। और जब उन्होंने यहाँ पे सेकंड गेम क्रिएट किया तो उन्होंने यहाँ पे उसे और लोअर लेवल कर दिया ताकि हर कोई पे उस गेम को खेल सके। वो बस गेमिंग इंडस्ट्री को एक बेहतरीन गेम बना के देना चाहते हैं जिसे सब लोग एंजॉय कर सके। पर क्वान और उस आदमी की इस गेम के ऊपर बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन होती है। उतने में यहाँ पे लिनवान कहती कि हमारी कंपनी यहाँ पे गेम नहीं बनाती, वो एकदम परफेक्ट गेम बनाना चाहती है, वो एक आर्ट की तरह हमारे लिए। इसके बाद सुन के सभी लोग यहाँ पे मोटिवेट हो जाते हैं और लिनवान के लिए ताली बजाने लग जाते हैं। इसके बाद वो सेक्रेटरी यहाँ पे अपने बॉस को बुलाती है ताकि वो अपने बारे और अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता सके। ये ने बताता है कि मैं एक लेटेस्ट गेम के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इस गेम का नाम है सरपास अटैक प्लान बुलेट मार्क, जो कि एकदम बढ़िया गेम है। वहीं पे हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पे इसका सेक्रेटरी इसे छोड़ के जा चुका होता है सिर्फ और सिर्फ क्वान की वजह से, और ये अब क्वान से सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है। पर इसे यहाँ पे क्वान का नाम भी ठीक से पता नहीं होता। इस एपिसोड की शुरुआत में हम फायर्स का स्टूडियो के सीईओ को देखते हैं जो कि अपने गेम के बारे में इन्हें बता रहा होता है। पर यहाँ पे इसकी सेक्रेटरी से बताती है कि बुलेट मार्क जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। ये इसे बताता है कि एक हम आधे महीने में लॉन्च होने वाला है तो उसे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही रहेगा कि हम अपने पीयर के साथ इस गेम के डिटेल्स के बारे में थोड़ा शेयर करें ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आखिरकार फर्स्ट पर्सन शूटर गेम किस तरह से डेवलप होता है। ये फिर इन्हें बताने लग जाता है कि आखिरकार इनके गेम की क्या क्या स्पेशलिटी है और ये लोग यहाँ पे किस तरह से इस गेम को डेवलप करे है, और इन लोगों ने वेपन को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। बाकी रहे गेम की तो वो फ्री टू डाउनलोड है, उसे कोई भी खेल सकता है। और अगर बात करें कि आखिरकार ये लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, वो ऐसे कि ये लोग यहाँ पे वेपन की स्किन बेचेंगे जिसमें एबिलिटी होगी, जिसे यहाँ पे यूजर को उसके स्किन को खरीदना ही पड़ेगा, जिससे इन लोगों के पास पैसे ही पैसे होंगे। इसकी बात सुन के सीबो सोच रहा होता है कि आखिरकार मिस्टर क्वान कुछ कर क्यों नहीं रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गेम फेल हो जाएगा। वही क्वान के मन में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्योंकि जितने भी सीईओ ने यहाँ पे इसे बताया होता है वो सारी चीज इसने उल्टी की है, उस गेम को इसने बिल्कुल ही अपोजिट बनाया ताकि उसका गेम पूरी तरह फेल हो जाए। और एक बार इसने पूरे कंपनी के फंड डुबा दिए तो इसके पास पैसे ही पैसे होंगे। वहीं पे फायर्स का स्टूडियो का जो सीईओ है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एटीट्यूड में होता है क्योंकि उसने यहाँ पे सबको दिखा दिया होता है कि टेंगड़ा कंपनी कितनी भी कोशिश कर ले वो फायर्स का स्टूडियो का मुकाबला नहीं कर सकती। पर तभी यहाँ पे सीबो देखता है क्वान को जो कि यहाँ पे अंधेरे में रोशनी का काम कर रहा होता है। वो यहाँ ये सोच रहा होता है कि क्वान को गेम के बारे में सब कुछ पता है, इसी वजह से वो शांत बैठा हुआ है, और जब उसे मौका मिलेगा वो यहाँ पे फायर्स का स्टूडियो के सीईओ को पूरी तरह अपने नीचे दबा देगा। पर क्वान तो इसका बिल्कुल उल्टा सोच रहा होता है, वो यहाँ पे फायर्स के स्टूडियो को चीयर कर रहा होता है ताकि वो उसकी कंपनी को डुबा दे। हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे शिन हैलू इन सभी को बताती है कि क्वान ने इन सबको 10 दिन की एनुअल छुट्टी दी है। पर यहाँ पे सीबो इन सबको कहता है कि मैं मिस्टर पे के बिहाफ में आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि तुम सबको पता ही है कि हम कुछ दिन पहले फायर्स का स्टूडियो के यहाँ पे गए थे जहाँ पे हमें काफी कुछ सीखने को मिला, और वहाँ पे उन लोगों ने हमें बुलेट मार्क अपना इम्प्रेसिव गेम दिखाया, और उस गेम को देख के हमारे प्रोजेक्ट ऑयल रिग की जो क्वालिटी है वो मुझे काफी बेकार लगी। हमारे यहाँ पे वर्किंग एनवायरमेंट काफी अच्छा है, हमारे यहाँ पे खाना भी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, क्वान ने हमारे लिए यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, हमें यहाँ पे वीकली छुट्टी भी मिलती है, वो भी एक या दो दिन की। इसी वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बचे हुए 10 दिन के अंदर मैं इस गेम की क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। तभी यहाँ पे लिनवान इन सबको बताती है कि मिस्टर पे ने हमें डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर वो चाहते हैं कि हम इस गेम के ऊपर और ज्यादा काम करें। उन्होंने यहाँ पे तभी हमें यहाँ पे टीम बिल्डिंग इवेंट के वहाँ पे लेके गए थे ताकि हम इसे कुछ सीख सके और इस गेम को और ज्यादा बेहतर बना सके।
उन्हें लगा होगा कि हम अपने ओपिनियन के हिसाब से किसी भी तरह का गेम बना देंगे, इसी वजह से हमें वो वहाँ पे लेके गए ताकि हम दूसरे के ओपिनियंस भी जान सके। सेबू फ्रे ने कहता कि हमारे पास एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है और हमें इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें आखिरी दिन तक काम करना चाहिए। तभी यहाँ पे शिंगहैलू कहती कि ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम एक अच्छा गेम ना बना पाए तो आखिरकार हमारे यहाँ पे रहने का मतलब ही क्या बनता है। इसी वजह से मैं भी चाहती हूँ कि हम सब अपना बेस्ट दें ताकि हम यहाँ पे बुलेट मार्क को हरा सके। वही हम उस आदमी को देखते हैं जो कि फायर्स का स्टूडियो के सीईओ को कहता है कि मैंने सुना है कि टेंगड़ा कंपनी हमारे यहाँ पे विजिट करने के लिए आई थी, आखिरकार इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये से कहता है कि मुझे लगा ये ट्रैवल मैटर है तो आपको इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये से कहता है कि सचमुच तुमने यहाँ पे उन्हें बुलेट मार्क के बारे में बता दिया। ये से कहता है कि घबराइए मत, ये तो छोटा मोटा ट्रैवल मैटर है, वो अच्छा गेम कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे और मैंने हमारे गेम के बारे में सिर्फ उसे इसलिए बताया क्योंकि मैं पेक वन का जो मॉरल है उसे तोड़ना चाहता था और आपको भी पता है कि सिर्फ आधा महीना रह गया है गेम की लॉन्चिंग को और वो चाहकर भी हमारे जैसा गेम कभी भी नहीं बना सकता। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली। पर वो आदमी ऐसे कहता है कि पेक वन काफी ज्यादा चालाक है, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। ये ऐसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, फायर्स का स्टूडियो ने बुलेट मार्क के ऊपर काफी पैसा लगाया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा गेम कभी भी नहीं डूबेगा। पर ये काफी ज्यादा बकबक कर रहा होता है, इसी वजह से ये यहाँ पे इस एयरफोन को निकाल लेता है ताकि उसको उसकी बात ही नहीं सुननी पड़े। वहीं पे हम देखते हैं सीबू को जो कि अब अंशु को कहता है क्या तुमने गेम की स्टोरी मोड को दोबारा से चेक कर लिया क्या। ये इसे कहता है कि हाँ मैंने चेक कर लिया। तब यहाँ पे एक लड़का इसे कहता है कि तुम जैसे हार्ड कोर के लिए ये गेम तो नॉर्मल होगा। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया और जिस तरह का गेम हम बना रहे हैं वो हमें काफी प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है अगर हम इसे थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव कर दे तो, क्योंकि ये गेम उस जॉनर का है जो कि काफी ज्यादा फेमस है आजकल। तभी लिनवानी ने कहती है क्या हमें गेम को और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है क्या। बॉन्गशु कहता है कि उतना नहीं, थोड़ा बहुत हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये फिर से कहती है कि हमें दूसरों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आर्टिस्ट होता है वो हमें से एकदम ग्रेट पीस ऑफ आर्ट बनाता है और वो कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, जबकि वो खुद यहाँ पे ट्रेंड बनाता है और इंडस्ट्री में अगर आपको लीडर बनना है तो आपको खुद को ट्रेंड चालू करना पड़ेगा। ये सब फिर यहाँ पे गेम को डेवलप करने में लग जाते हैं ताकि ये गेम की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा सके। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शिनहैलू को पेक वन का कॉल आता है जो कि इसे पूछता है क्या तुमने सब कुछ अरेंज कर लिया क्या। ये से कहती कि हाँ मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया। ये से कहता कि काफी बढ़िया है। ये से कहती कि आप चिंता मत करिए पेक वन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लिया है और मैं मेक श्योर करूंगी कि सब कुछ स्मूथली जाए। ये कहता कि बहुत ही बढ़िया। तभी लिनवानी ने बताती कि मुझे अच्छे से पता है मिस्टर पे अभी हमारे गेम को प्रमोट करने में काफी ज्यादा बिजी होंगे, इसी वजह से हमें भी यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए और इस गेम की क्वालिटी को एक और अलग लेवल पे पहुंचा देना चाहिए। ये सब फिर दोबारा से यहाँ पे काम करने लग जाते हैं ताकि ये गेम को अच्छे से डेवलप कर सके। पर इन्हें क्या पता ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो अपना एग्जाम दे रहा है। हमें फिर कुछ दिन के बाद ऑफिस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपने गेम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर चुके होते हैं और उनका काम अब खत्म हो चुका होता है। सीन फिर क्वान के यहाँ पे जाता है जहाँ पे अपने सिस्टम को अपना फंड दिखाने के लिए कहता है ताकि वो देख सके कि इसके पास और कितना फंड बचा हुआ है। ये देखता है कि इसके पास अभी भी 360,000 से ज्यादा युआन बचा हुआ होता है, पर इसे ये काफी खुश होता है क्योंकि इसका पुराना गेम पैंथम जनरल जितना दिन में कमा रहा होता है उसे ये ज्यादा खर्च कर रहा होता है, जिस वजह से ये काफी खुश होता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी इसके पास करीब 5,00,000 युआन से भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। इसने अब तक यहाँ पे 1,40,000 युआन खर्च कर दिया, वो भी अपने खुद के पॉकेट से। ये फिर यहाँ पे शिनहैलू को कॉल करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने गेम को डेवलप करने में काफी अच्छा काम किया और इसी वजह से मैं एक और बार टीम बिल्डिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहता हूँ जहाँ पे इस बार बजट हमारे 360,000 युआन से भी ज्यादा है। ये सारे पैसे यूज कर लो और इस बार पूरा सिनेमा हॉल बुक कर दो, साथ ही साथ डिनर की भी अरेंजमेंट करो और कैरियो भी लगाओ। सीन फिर कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सभी एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे मूवीज देख रहे होते हैं जिन्हें देखने में इन्हें काफी मजा आ रहा होता है। पर तभी कुआन ऐसी चीज देखता है जिसे देख के ये पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो यहाँ पे एक वीडियो होती है जो कि इसकी एम्प्लॉयज ने इसके लिए बनाई होती है। ये सब कुआन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बताते हैं कि इन लोगों ने इस गेम को पूरी तरह कम्प्लीट कर लिया। पर यहाँ पे कुआन कहता है कि हम इतनी जल्दी इसे लॉन्च नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी ये बात सुनकर मैंगी से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे जल्दी इस गेम को क्यों लॉन्च नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे सिस्टम भी इसे वार्निंग दे सकता है कि ये अपने गेम को यहाँ पे डिले नहीं कर सकता, अगर ऐसा करे तो इसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो ये सबको यहाँ पे बहाने मारते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हमने अब तक सेलिब्रेट नहीं किया, हम सबको यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। हम फिर देखते ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे यहाँ पे काफी सारे अलग अलग पकवान होते हैं। पर क्वान शिनहैलू उसे पूछता है कि तुमने तो इन सबको 10 दिन की छुट्टी दी थी, आखिरकार इन लोगों ने इतनी जल्दी इस गेम को कैसे डेवलप कर लिया। मायांग इसे बताता है कि दरअसल वो इसलिए कुछ दिन पहले ये लोग मेरे यहाँ पे आए थे, इन लोगों ने कहा था ये लोग यहाँ पे ऑफिस का कंप्यूटर यूज करना चाहते गेम खेलने के लिए और मैंने इस चीज के लिए हाँ कर दी, पर इन लोगों ने चुपके से पूरे गेम को डेवलप कर दिया। इसकी बात सुनके क्वान इसके सर पे दो लगाता है और कहता है कि तुम आइसक्रीम खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी है कि एक आइसक्रीम की कॉस्ट यहाँ पे कितनी पड़ी है।
तभी यहाँ पे बॉन्क्सी जो है वो नाचते हुए यहाँ पे क्वान की तारीफ करने लग जाता है और इन सभी को कहता है कि इनका गेम जो है वो जरूर से हिट होगा। और जब जब बॉन्क्सो ऐसी बातें करता है तब तक क्वान की सीने में एक एक तीर घटते जाता है, पर बॉन्क्सो फिर भी यहाँ पे बिल्कुल भी तारीफ करना नहीं छोड़ रहा होता है, वो यहाँ पे इन सबकी काफी तारीफ करता है। वही लिन वान यहाँ पे देखते है कि क्वान यहाँ पे काफी चिंता में होता है, तो वो सोचते है कि लगता है क्वान सिर्फ इसीलिए चिंता में है क्योंकि वो कंपनी के भविष्य और अपने गेम के भविष्य के बारे में सोच रहा है, पर असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वान ये सोच रहा होता है कि अगर ये गेम हिट हो गया तो इसे 5 लाख युआन नहीं मिलेंगे, और अगर इस गेम को इसे फ्लॉप करवाना है तो इसे इस गेम को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे बॉन्क्सो क्वान की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर क्वान नहीं होते तो पता नहीं मैं यहाँ पे कहाँ पे होता। क्वान ने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचाना और मुझे यहाँ पे बताया कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे रोने लग जाते हैं और क्वान की तारीफ करने लग जाते हैं, पर क्वान के लिए काफी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है क्योंकि इन सबको उसने एक लूजर की तरह लिया होता है। हम फिर देखते ये लोग ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सभी के सभी ऑफिस के यहीं पे सो जाते हैं, और अगले दिन जब यहाँ पे नोश होता है तो लिन वान इनसे पूछते कि इन लोगों ने क्या गेम को पब्लिश कर दिया कल। ये लोग इसे बताते हैं कि ये लोग आज इसे पब्लिश कर रहे हैं क्योंकि कल ज्यादा ड्रंक होने की वजह से ये लोग ऐसा नहीं कर पाए थे। लिन वान फिर इसे पूछते कि मिस्टर पे ने फिर हमें क्या कहा, क्या वो गुस्सा थे? यहाँ पे मायंग इसे बताते है कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे, पर उसने हमें कम्फर्ट देते हुए कहा कि ऐसी चीजें होती रहती है। लिन वान फिर यहाँ पे गेम के ग्राफ को देखते और कहती है ये तो काफी अच्छा है, हमारा गेम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर यहाँ पे सीबू इसे बताता है कि वो दरअसल बुलेट मार्क के परफॉर्मेंस को देख रही है, उसे नीचे देखना चाहिए। और ये देखते हैं कि इनका जो गेम है वो नीचे से ट्रेंड कर रहा होता है। दरअसल ये सब यहाँ पे क्वान की चाल होती है और क्वान ने इसे नाम दिया होता है 3 सेफ्टी नेट्स। दरअसल क्वान ने जानबूझ के अपने गेम को बड़े गेम के सामने लॉन्च किया ताकि उसका गेम उस बड़े गेम के सामने पिच जाए। लिन वान फिर इन्हें हौसला देते हुए कहती है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हमारी मार्केटिंग बाकी है, जैसे ही वो होता है हमारा गेम जो है वो पक्के से यहाँ पे टॉप पे आएगा। पर ये लोग देखते हैं इनके गेम के बारे में कोई यहाँ पे बात भी नहीं कर रहा होता, यहाँ पे ना ही इनके गेम की प्रमोशन होती है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे फिर सीबो इन सबको बताता है कि ज्यादातर लोगों ने अपने गेम के एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगाए हैं, जिस वजह से सभी लोग उनका गेम डाउनलोड कर रहे हैं। क्या पेक वान को इस बारे में कुछ पता नहीं है क्या? दरअसल पेक वान ने ये सब जानबूझ के किया होता है और ये इसका सेकंड सेफ्टी नेट होता है। दरअसल अगर आप गेम की मार्केटिंग ही ना करो तो कोई यहाँ पे उसे डाउनलोड नहीं करेगा, और अगर ये हुआ तो इसका गेम जरूर से फ्लॉप हो जाएगा। तभी यहाँ पे बॉन्क्सो कहता है कि पेक वान के पुराने गेम्स को देख के तो नहीं लगता कि यहाँ पे वो ऐसी चीज करेगा, उसे गेम्स के बारे में सब कुछ पता है। तो यहाँ पे लिन वान कहते हैं कि लगता है मिस्टर पे हमारे यहाँ पे इम्तिहान लेना चाहते हैं कि हमारे गेम बिना एडवर्टाइजमेंट के भी चल सकता है कि नहीं। तो सीबू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस टीम को लीड करूंगा और हम अपना अगला स्टेप शुरू कर सकते हैं। ये लोग फिर यहाँ पे शिंग हाइलू के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ा बजट चाहिए ताकि हम गेम को थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव कर सके और इसे और ज्यादा बेहतर बना सके। दरअसल इनका प्लान होता है कि यूजर पहले नॉर्मल गेम खेलेगा जो कि वर्जन 1.01 होगा, और उसके बाद ये लोग थोड़ा उसे और इम्प्रूव करके यूजर के हिसाब से 1.0.3 का अपडेट लाके उसे और ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे, और उसी के साथ ये गेमर्स को थोड़ा बहुत पैसा देके उनसे इस गेम की टेस्टिंग करवा के उनका इस गेम के ऊपर ओपिनियन ले लेंगे। हमारा गेम अभी नया है तो कोई भी प्लेयर से फ्री में तो नहीं खेलेगा, इसी वजह से हम उसे यहाँ पे पेमेंट देनी पड़ेगी ताकि हम उसका ओपिनियन जान सके। पर शिन हाइलू उसे कहते हैं कि मिस्टर पेन ने तो इस चीज के लिए हमें यहाँ पे बजट एलोकेट ही नहीं किया है, आखिरकार अब हम क्या करें? ये सुन के बॉन्क्सो कहते हैं कि हमारे पास अब कोई सा भी ऑप्शन नहीं, हमें खुद के पैसे इस पे लगाने पड़ेंगे। तभी यहाँ पे लिन वान इसे कहते हैं कि ये सब तो मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें अपने पैसे इस पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हमें गेमर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे फायर स्काई स्टूडियो की तरफ से कॉल आता है जो कि यहाँ पे बुलेट मार्क गेम को लेकर होता है ताकि उसे टेस्ट करके इन्हें अपने ओपिनियन सके, पर ये इनके गेम को ऑलरेडी खेल चुका है तो ये ने बताता है कि तुमने अपने पूरे गेम को किसी और के गेम से कॉपी किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे इस गेम के ऊपर बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं दे सकता। एपिसोड की शुरुआत में हम लिन वान को देखते हैं जो कि बॉन्क्सो से कहती है क्या वो सचमुच ब्रोकन हेलबर्ड को जानता है क्या। ये इसे बताता है कि मैं उसे जानता नहीं हूँ पर वो ई स्पोर्ट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है और इसी वजह से मैंने हमारे गेम की जो लिंक है उसे भेज दिया है ताकि वो उस गेम को टेस्ट करके हमें बता सके कि ये गेम कैसा बना है। वहीं पे हमें ब्रोकन हेलबर्ड को दिखाया जाता है जिसे ये गेम मिल चुका होता है, वो सोच रहा होता है ये किस तरह का लेम गेम है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है और आखिरकार ये किस तरह के गेम की डिजाइन है। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे गन्स की स्किन भी बेची जा रही होती है जो कि 888 युआन के अंदर होती है, जिसके अंदर काफी सारे एबिलिटीज होती है और ये क्वान ने जानबूझ के लगाया होता है ताकि इतने महंगे में इस वेपन को बेच के अपने गेम की बैड रेपुटेशन क्रिएट कर सके और कोई इसके गेम को कभी खेल ही ना। पर हेलबर्ट सोचता है कि अगर ये इतना ही महंगा है तो आखिरकार इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखा जाए, जिसके बाद ये इसके गेम को डाउनलोड कर लेता है और ये एक अनजान जगह पे आ जाता है। तभी इसके सामने वही लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पे इसे साइन लैंग्वेज में इसे समझाने लग जाती है गेम के इंस्ट्रक्शन, पर इसे कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ पे एक जॉम्बी उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और ये उस जॉम्बी को मार गिराता है, पर उतने में यहाँ पे और भी काफी सारे जॉम्बीज आ जाते हैं जो कि इसके काफी पास आ चुके होते हैं, इसी वजह से ये गन का यूज करके उन जॉम्बीज को यहाँ पे मारने लग जाता है, पर वो काफी ताकतवर जॉम्बी होते हैं। उतने में वो लड़की भी यहाँ पे रोने लग जाती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है और पजल
सॉल्व करने के लिए वो उसे कैंडी देता है ताकि वो इस पजल को सॉल्व कर सके और ये इस गेम को पार कर सके। कुछ देर के बाद ये लोग किसी तरह यहाँ पे एक लिफ्ट के दरवाजे को खोल देते हैं, पर एक ज़ॉम्बी यहाँ पे इनका पीछा करते हुए लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और इन दोनों के बीच में मुकाबला हो जाता है जो कि हेलबर्ट को काट लेता है, जिससे हेलबर्ट को काफी ज्यादा दर्द होता है, पर हेलबर्ट किसी तरह इस ज़ॉम्बी को दूर गिरा देता है। तभी वो लड़की यहाँ पे हीलिंग का यूज करके इसे रिकवर कर देती है और हेलबर्ट उस ज़ॉम्बी का मुकाबला करने लग जाता है। कुछ दिन के बाद हेलबर्ट यहाँ पे टंगड़ा कंपनी के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे सभी लोग उसके साथ फोटो खिंचाने लग जाते हैं। यह बाउंसर से पूछता है कि आखिरकार वो इसे यहाँ पे क्यों लाई। ये इसे बताते कि वो इसके सामने गड़गड़ाने लगा कि उसे यहाँ पे आना है, इसी वजह से वो यहाँ पे इसे लाई है। हेलबर्ट फिर इनकी गेम की तारीफ करते हुए कहता है कि इनकी गेम की जो ग्राफिक है वो इंटरनेशनल गेम्स को छू रही है और उसी के साथ इनकी गेम की जो ट्रिक थी वो भी इसके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल थी, पर किसी तरह इसने उस गेम को यहाँ पे पार कर लिया। तभी हेलबर्ट के जितने भी फैंस होते हैं वो इसे चारों ओर से घेर लेते हैं और इसके साथ फोटो खिंचाने लग जाते हैं। ये फ्रेंड ने बताता है, तुम्हारा गेम तो नॉर्मल लोगों को तो पसंद आ ही रहा है, पर उसी के साथ मेरे जैसे प्रोफेशनल लोगों को भी तुम्हारा गेम काफी ज्यादा पसंद आया है। ये लोग इसे कहते हैं कि तुम्हारी तारीफ का शुक्रिया, इसके लिए हमने काफी मेहनत की थी। ये फ्रेंड ने बताता है कि जो स्किन तुमने यहाँ पे गेम में डाल रखी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, उसे मैंने खरीद लिया है और उसके अंदर काफी अच्छी एबिलिटीज भी है। ये जिस किसी का भी आइडिया था वो सचमुच एक जीनियस बंदा है। ये लोग इसे कहते हैं ये मिस्टर पे का आइडिया था, उन्होंने हमें कहा था कि हमें वेपन्स की स्किन गेम के अंदर डालनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेपन जो है वो लग्जरियस दिखने चाहिए और लोगों को उसमें मजा आना चाहिए। ये फिर से कहते हैं कि सचमुच तुम्हारा बॉस एक दिलेर इंसान है, उसने इतने सस्ते में इतनी बढ़िया स्किन दे दी, मुझे ये काफी पसंद आई है और मैंने फैसला कर लिया है मैं एकदम बढ़िया सी लाइव स्ट्रीम करूंगा ताकि मैं सबको बता सकूं कि ये गेम कितना ज्यादा मजेदार है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये गेम हिट नहीं हो जाती। वहीं पे हम देखते हैं क्वान को जो कि कॉलेज के यहाँ पे होता है। बायंग इसे पूछता है क्या उसे यहाँ पे गेम के डेटा मिला है क्या। क्वान सोचता है कि गेम का डेटा लेने से क्या फायदा, मेरा गेम तो ऑलरेडी अब फ्लॉप होने वाला और ये काफी मजेदार चीज है। ये फिर से कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार कंपनी के यहाँ पे चले जाना चाहिए। क्वान सोचता है कि लगता है ये इसे कंपनी में इसलिए जाने के लिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे गेम के फ्लॉप होने की वजह से सभी उदास होंगे और यहाँ पे क्वान को यहाँ पे सभी को दिलासा देना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है, ये लोग दोबारा से एक नए गेम को लॉन्च करेंगे जैसे ये लोग दोबारा से पैसे कमाएंगे। और ये बात सोच के यहाँ पे क्वान हंसने लग जाता है तो मायंग इसे कहता है कि तुम काफी खुश लग रहे हो। क्वान इसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ, पर मनी मन में क्वान काफी खुश होता है। मायंग फिर से बताता है कि लगातार दो दिन से हमारा जो गेम है वो काफी इम्प्रूव कर रहा है और इसे काफी सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इसकी ये बात सुन के क्वान शॉक हो जाता है और कंपनी की तरफ भागने लग जाता है। इवन वो यहाँ पे टीचर को भी इग्नोर कर देता है और जब वो कंपनी के यहाँ पे आता है तो वो देखता है यहाँ पे काफी ज्यादा शांत माहौल होता है। उसे लगता है कि सभी लोग यहाँ पे गेम के फ्लॉप होने की वजह से काफी उदास होते हैं, तो ये सभी को यहाँ पे दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो तुम फिक्र मत करो। पर तभी ये सब इसे कांग्रेट्स करते हुए कहते हैं कि इनका जो गेम है वो अब हिट हो चुका है और इन लोगों ने यहाँ पे क्वान से काफी कुछ सीखा है। इनका गेम बिना मार्केटिंग के यहाँ पे हिट हुआ है जिसके लिए इन लोगों ने पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च किए। क्वान फिर ऑफिस में बैठ के सोच रहा होता है कि उसने तीन डिमांड्स को तो फुलफिल कर दी थी, पर आखिरकार इसका गेम हिट कैसे हो गया, क्या इन लोगों ने अपने हिसाब से गेम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट तो नहीं चलाए। पर ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। तभी यहाँ पे हुआंग आ जाता है जो कि इसे बताता है कि मिस्टर पे ये रहे वो सारे एनालिसिस जो आपने मांगे थे जिस वजह से हमारा जो गेम है वो यहाँ पे हिट हुआ है। और जब ये उस एनालिसिस को देखता है तो उसे पता चलता है लिन वान ने यहाँ पे एक प्रोफेशनल गेमर को हायर किया था जिसे वो गेम काफी पसंद आ गया और उसके बाद उसने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके उस गेम को हिट बना दिया। ये सोचता है कि आखिरकार स्टूपिड से गेम को यहाँ पे उसने क्यों प्रमोट किया, आखिरकार उसे इस गेम में क्या पसंद आ गया। इसमें सब कुछ तो खराब है, ना ही इसमें यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन अच्छी है। वहीं पे हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे हुआंग सबको बताता है कि मिस्टर पे अभी भी काफी ज्यादा शांत है। तभी बॉन्ग्शु से कहता है कि तुम मिस्टर पे को काफी हल्के में ले रहे हो, उनको पता था कि ये गेम किस डायरेक्शन में जा रही है और उन्हें पता था ये गेम एकदम बढ़िया हिट होगी। हुआंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उन्हें पता था कि ये गेम हिट होने वाली है, पर उसके बाद भी उन्होंने हमें यहाँ दिलासा दिया कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इस गेम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये सब फिर क्वान को यहाँ पे जाते हुए देखते हैं जो कि यहाँ काफी उदास लग रहा होता है, पर ये लोग यह सोचते हैं कि वो अभी भी काफी ठंडे दिमाग से सारी चीजें सोच रहे हैं। क्वान फिर छत पे आ जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो अब क्या करे, इस बार भी वो यहाँ पे गेम से प्रॉफिट कमा रहा है और इसके बाद जो अगला फंड आएगा वो भी काफी ज्यादा अमाउंट होने वाला है और आखिरकार वो यहाँ पे इतने सारे फंड को कैसे स्पेंड करेगा। और ये फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ चिल्लाने लग जाता है। तभी लिन वान इसे कहते हैं कि मिस्टर पे आपको शांत हो जाना चाहिए और थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझे कोई सी भी बात बता सकते हो। क्वान इसे
से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी समझाने की कोशिश भी करूंगा तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लिन वान इसे फिर कहती कि आप कहीं फायर स्काई स्टूडियो के बुलेट मार के फ्लॉप होने की वजह से उदास तो नहीं हो, क्योंकि आपका राइवल यहाँ पे हार रहा है। ये इसे पूछता है कि क्या तुम क्या बात कर रही हो, मेरी आखिरी लाइफ लाइन बुलेट मार्क यहाँ पे हार चुका है, हमने उसे हरा दिया है। ये इसे कहती कि हाँ, उसके सर्वर यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहे और हमारा जो सर्वर है वो ऑलरेडी 1,00,000 यूजर से ज्यादा हो चुका है। ये कहता है कि क्या हमारा गेम इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है क्या? ये इसे कहती कि हाँ, हमारा गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके बाद क्वान अपना सर पकड़ लेता है। तो लिन वान इसे कहती कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो भी करोगे उसके पीछे हम हमेशा रहेंगे, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। क्वान को फिर एक आइडिया आता है कि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे फंड को स्पेंड नहीं कर सकता, पर मेरे एम्प्लॉय उस फंड को यूज कर सकते हैं ना। ये फिर सोचता है कि अब ये लड़ाई पैसे की नहीं रही, मुझे किसी भी हाल में अपने सिस्टम को हराना है, ये मेरी इज्जत की बात है, मुझे किसी भी हाल में उस सिस्टम से जीतना पड़ेगा। वहीं पे हमें यहाँ पे फायर स्काई स्टूडियो के सीईओ को दिखाया जाता है, जिसके गेम को यहाँ पे सभी लोग बुरा रिव्यू दे रहे होते हैं और सभी लोग उसकी गेम को डुप्लीकेट कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इसके हेड का कॉल आता है, जो कि इसे पूछता है कि मुझे गेम के बारे में बताओ। ये इसे कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे गेम को काफी सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं। वो इसे कहता है कि मुझे ये मत बताओ कि हमारे गेम को कितने सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मुझे ये बताओ कि हमारे कितने एक्टिव यूजर्स है। और इसकी ये बात सुनकर ये थोड़ा घबरा जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्वान को, जो कि यहाँ पे फर्स्ट गेम पर्सन शूटिंग को लेकर काफी ज्यादा चिंता में होता है, क्योंकि उस वजह से इसके पास 1,000,000 से ऊपर फंड आ चुके होते हैं, जो कि इसे कुछ ही दिन में खत्म करने होते हैं। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो इसके पास और ज्यादा फंड आ जाएंगे, जो कि ये खत्म नहीं कर पाएगा। ये फिर अपने सिस्टम को बुला लेता है, तो इसका सिस्टम इसे पूछता है कि क्या हुआ। ये ऐसा कहता है कि मैं अपने ऑयल प्रोजेक्टिंग को और फैंटम जनरल को अपडेट करना चाहता हूँ। सिस्टम इस चीज के लिए मान जाता है और सिस्टम को अपडेट करने लग जाता है ताकि वो इसे पैसे दे सके। पर तभी ये इसे बताता है कि मैं तुम्हें एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें गेम को अपडेट करना है तो तुम्हें मुझे उसके नए वर्जन को दिखाना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के ये गेम अपडेट को रोक देता है और कहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे मील से ट्रीट करना चाहता हूँ, जिस वजह से मुझे कंपनी की फंडिंग चाहिए। पर रिचेस इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये काफी बार यहाँ पे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को पार्टी दे चुका होता है। इस एक्वान गुस्सा हो जाता है और मनी मन में यहाँ पे इसे पीटने का फैसला करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को 50% अपने गेम का प्रॉफिट देना चाहता हूँ। ये इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये करके तुम इंडस्ट्री का रूल बिगाड़ोगे। ये कहता है ये कैसे हो सकता है, काफी सारे बॉसेस अपने कंपनी के एम्प्लॉय को अपने गेम का शेयर देते हैं। ये कहता है वो बस अफवाह थी, तुम्हें सचमुच लगता है ऐसी चीज होती है क्या? ये सुन के क्वान सर पकड़ लेता और कहता है कि कम से कम मुझे क्वांटा को तो यहाँ पे क्लेम करने दो। यहाँ पे ये चीज के लिए मान जाता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें क्वांटा देने के लिए तैयार हूँ। क्वान ये सुन के कहता है कि ठीक है, मैं हर एक एम्प्लॉय को 20,000 युआन देने वाला हूँ, वो भी हर महीने। पर ये चीज के लिए मना कर देता और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें फिर रात को दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनहाई लू क्वान से मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि वो जा रही है। क्वान इसे कहता है कि हाँ, तुम जा सकती हो। ये इसे कहती है अगर किसी चीज की उसे जरूरत हो तो वो उसे बुला सकता है। ये इसे कहता है कि मैं अपने खर्चों को कंपनी के नाम से खर्च कर सकता हूँ क्या? इसकी ये बात सुनकर ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये इलीगल है, आप अपने खर्चों को कंपनी के नाम से खर्च नहीं कर सकते। तो ये फिर से बताता है कि मैं अपने एम्प्लॉय के लिए ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बोनस देना चाहता हूँ, पर इसकी एक लिमिट है और मुझसे ये मत पूछना कि मेरे ऊपर कौन लिमिट लगा रहा है। ये इसे कहती है कि मेरे पास एकदम बढ़िया आइडिया, आप प्रोजेक्ट बोनस से हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे सकते हो। ये इस चीज को लिखने लग जाता और कहता है कि मुझे और भी बताओ। पर शिनहाई लू के पास काफी आइडिया होते हैं, तो क्वान इसे अपना पेन पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे अपने सारे आइडियाज बता दो, जिसे मैं अपने कंपनी की फंडिंग को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर स्पेंड कर सकूं, और अपना भी इसमें लिख देना। पर थोड़ी देर के बाद क्वान को यहाँ पे नींद आ जाती है और वो यहाँ पे सो जाता है। कुछ देर के बाद शिनहाई लू उसे यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बना के दे देती है, जिसका यूज करके ये कंपनी की फंडिंग को कहीं पे भी यूज कर सकता है। इसको देख के ये काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद ये यहाँ पे रिचेस को सारी चीजें दिखा देता है। रिचेस थोड़ी देर देखने के बाद इस चीज के लिए मान जाता है और ये सभी को यहाँ पे शॉपिंग के लिए ले आता है और कहता है कि आज हम इस मॉल में शॉपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे एक लड़का कहता है ये तो जबरदस्ती की शॉपिंग हुई, हमें लगता है अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्वान इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें अपने पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे गिफ्ट कार्ड दूंगा, जिसका यूज करके तुम यहाँ पे 3,500 तक की यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। इसकी बात सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो चाहे वो अपने मनपसंद का इस कार्ड से ले सकते हैं। इसी वजह से ये मॉल के अंदर भागते हुए घुस जाते हैं। ये सब फिर यहाँ पे टेक और गेमिंग के सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे इनका मेन काम होता है, यहाँ पे काफी अलग अलग चीजें होती है। तभी यहाँ पे क्वान को सीबो दिखता है, तो ये सीबो को कहता है कि तुम्हें एक अच्छा लैपटॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अब्रॉड काम करने के लिए जाओगे तो तुम यहाँ पे कंपनी के कंप्यूटर को तो यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से लैपटॉप काफी बढ़िया रहेगा जिसमें तुम काफी अच्छा काम कर पाओगे। ये फिर एक और लड़के के पास चले जाता है जो कि फोन देख रहा होता है, तो ये इसे कहता है ये तो लेटेस्ट मॉडल है, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। और वो लड़का इसे कहता है कि नहीं, मुझे इसे लेने का मन नहीं है, क्योंकि मैं इस कार्ड को डिनर के टाइम पे क्लेम करना चाहता हूँ और एक बेहतरीन खाना खाना चाहता हूँ। ये सोचता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मेरे पास मुश्किल से 2
घंटे और ये यहाँ पे रात तक का इंतजार करना चाहता है। ये फिर उसे कहता है कि इसे खरीद लो, मैं तुम्हें यहाँ पे रात का डिनर करवा दूंगा अपने पैसों से। ये फिर बोंगचो के यहाँ पे आ जाता है जो कि इसे बताता है इसने अपने लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेमिंग इक्विपमेंट खरीद लिया है। ये फिर मायंग को देखता है जो कि इसे बताता है उसने अपने लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फोन खरीद लिया है। तो इसे कहता है कि तुमने इतने सारे फोन तो खरीद लिए पर तुमने कवर नहीं खरीदा। वान फिर इसकी बाकी पैसों से इसे यहाँ पे कवर दिला देता और कहता है कि अब 4,500 युआन कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम इससे ज्यादा और स्पेंड नहीं कर सकती हो। वान फिर शिनहाइदो को वो सारे रिसिप्ट दे देता है जो कि इन सभी लोगों ने खरीदी होती है। यहाँ पे इसे कहती है कि लगता है हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं, पर वान को अभी भी शक होता है क्योंकि जब वो कैलकुलेट करता है तो अभी भी मिलियन पार करने के लिए इसके पास 10,000 का बजट होता है। ये किसी भी हाल में इसे स्पेंड करना चाहता है क्योंकि इसके पास ज्यादा समय नहीं बचा इन सारे पैसों को खर्च करने के लिए। वान फिर इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लिए घड़ी और कुछ कपड़े खरीद सकूं। ये फिर यहाँ पे घड़ी के शॉप के यहाँ पे चले जाता है पर वहाँ से इसे पता चलता है कि अपने मनपसंद की कोई सी भी चीज नहीं खरीद सकता क्योंकि यहाँ पे वो कंपनी के लिए यूज के लिए उसे नहीं खरीद रहा और या तो उसके पास वो चीज पहले से रखी है। ये फिर यहाँ पे एक चश्मे की दुकान के पास चले जाता है और उसे खरीद लेता है क्योंकि उसे इसकी जरूरत होती है। उसके बाद ये अपने लिए कुछ और भी कपड़े खरीदता है और इसे इसके लिए इसे बिल्कुल भी नहीं रोकता क्योंकि अपने कंपनी के हिसाब से इसे स्पेंड कर रहा होता है। और इसे ऐसा देख सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि क्वान ने काफी जल्दी अपने कपड़े खरीद लिए होते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी कुछ सोचता है और अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। पर यहाँ पे क्वान के पास अभी भी थोड़े बहुत पैसे बचे होते हैं और उसके पास टाइम काफी कम बचा होता है तो इसे कहता है कि मुझे उस सेंट को खरीदना है। तभी रिचेस इसके सामने आ जाता है जो कि इसे कहता है कि वो परफ्यूम का क्या करेगा, वो लड़कियों का परफ्यूम है और वो इसे यूज भी नहीं करता। तभी इसे लिनवान देखते है जिसे ये परफ्यूम दे सकता है और वो इसका यूज करेगी ही करेगी। जिसके बाद ये परफ्यूम को खरीद लेता है और लिनवान को कहता है कि तुम इस परफ्यूम का रख लो। रिचेस को शुरू में थोड़ा शक होता है पर बाद में उस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि एक गिफ्ट की तरह होता है। और इसी के साथ क्वान अपने जितने भी फंड होते हैं उसे यहाँ पे फिनिश कर देता है जिससे ये काफी खुश होता है और आखिर में अपना बिल भी कटवा लेता है। इसके बाद ये अपने सिस्टम को चेक करता है जहाँ पे इसे पता चलता है इसने करीब 21,000 युआन को लूज किया होता है जिससे ये काफी खुश होता है क्योंकि इसने पहली बार सिस्टम को हराया होता है। ये फिर सभी इम्प्लॉयज के साथ बाहर आ जाता है और ये अभी भी हंसी रहा होता है और जाने से पहले ये सभी को कहता है कि कल सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना क्योंकि कल मुझे एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। तभी यहाँ पे लिनवान इसे कहती है कि जो परफ्यूम है वो काफी अच्छा स्मेल कर रहा है पर क्वान को समझ नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो लिनवान के लिए तो यहाँ पे इस गिफ्ट को खरीद पाया पर जब वो खुद खरीद रहा था तो रिचर्ड ने उसे अलाउ नहीं किया था। ये फिर इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस परफ्यूम को रख सकती हो और मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक लड़का इसे कहता है ये तो वही रेगुलर परफ्यूम है जो तुम लगा के आती हो। ये इसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान सभी को शुक्रिया कर रहा होता है क्योंकि उनकी वजह से प्रोजेक्ट ऑयल यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया है, खासकर की हुआंग सिबू और बोंगचू की वजह से। और इसी वजह से वो इन दोनों को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के टाइटल से अवार्ड देता और कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरी कंपनी कहाँ जाती और मैं क्या कर रहा होता, इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। और उसी के साथ हुआंग सिबू को आज से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सुन के हुआंग सिबू यहाँ पे शॉक में चले जाता है और इसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। ये इसे बताता है कि उसकी जगह आज से मिन लियांग लेगा और यहाँ पे इसे काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसे कहता है कि आप मुझे फायर करे हो क्या, या मुझसे कोई गलती हुई है क्या। दरअसल क्वान ये सोच रहा होता है कि इन दोनों की वजह से इनका गेम हिट हुआ है, अगर ये इन दोनों को ही फायर कर दे तो इसे ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इसका गेम फेल हो जाएगा। क्वान फिर हुआंग सिबू को कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 1,000,000 युआन दे रहा हूँ स्टार्टिंग कैपिटल के तौर पर। और इसकी बात सुन के सभी लोग यहाँ पे क्वान की तारीफ करने लग जाते हैं। वही हुआंग सिबू इतने बड़े अमाउंट को सुन के बेहोश हो जाता है। ये फिर बोंगचू को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सपना बिजनेस शुरू करने का नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हें अनलिमिटेड पेड हॉलीडेज दे रहा हूँ। ये इसे कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वान इसे कहता है कि नहीं, तुम्हें ये किसी भी हालत में लेना पड़ेगा क्योंकि जब तुम दुनिया घूम के यहाँ पे दूसरे गेम्स को देखोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम और भी बेहतरीन गेम्स को बना पाओगे। और ना चाहते हुए भी बोंगचू को इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद ये सभी को कहता है कि इन दोनों के जाने के बाद हम अपने नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं। पर अगले दिन क्वान जब अपने ऑफिस के यहाँ पे आता है तो वो बोंगचू को देखता है, वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। बोंगचू उसे कहता है कि मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। क्वान इसे कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। ये इसे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे सचमुच ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इसके बाद सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हुआंग सिबू को जो कि यहाँ पे कंपनी छोड़ के जा रहे होते हैं और सभी लोग उसे कांग्रेट्स कर रहे होते हैं, पर सभी लोग इसके जाने से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। पर हुआंग सिबू अब रुक नहीं सकता, वो जा रहा होता है। तभी यहाँ पे शिनहाइदो आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि कुछ समय के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर दूंगी। पर ये इसे कहता है कि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, पर मैं टेंगड़ा कंपनी को बड़ा होते देखना चाहता हूं क्योंकि इस कंपनी ने जो मुझे दिया है वो आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है। शिनहाइदो फिर इसे पूछती है क्या तुम यहाँ पे मिस्टर पे को विजिट नहीं करना चाहती हो। ये इसे कहता है कि नहीं, अगर वो उसे जाएगा और उसे गुड बाय कहेगा तो उसे इमोशनल लगेगा और उसे पता है कि मिस्टर पे
भी काफी ज्यादा इमोशनल होंगे। पर हम देखते हैं क्वान को जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी उदास नहीं होता जबकि वो नाच रहा होता है। दरअसल पहली बार इसने सिस्टम का लॉस करवाया होता है जिस वजह से इसकी एक पर्सनल एसेट काफी बढ़ चुकी होती है और ये कहता है कि 1 मिलियन युआन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम जितने भी टाइम मुझे दे दो। सिस्टम फिर से करीब 90 दिन का टाइम दे देता है 1 मिलियन युआन खर्च करने के लिए। वही भी हम देखते हैं वांग सीबू को जो इसे कहता है प्रोजेक्ट कॉल्ड रिंग का जो अपडेट है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। पर ये लोग इसे बताते हैं कि मिस्टर पे ने नए गेम को बनाने का जिम्मा इनके ऊपर छोड़ा है। तो ये इसे कहता है कि हमारे 2 गेम अभी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है और उन्हें अपडेट करे तो वो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आखिरकार वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये सब बताते हैं उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता पर उन्होंने मुझे ये काम दे दिया तो मुझे ये करना पड़ेगा। तभी लिनवान कहते कि लगता है तुम्हें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, वे एक ऐसे पर्सन है जो कि हमेशा प्रोग्रेस करते रहना चाहते हैं, इसी वजह से वो अपने करंट अचीवमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो और ज्यादा काम करना चाहते हैं। ये लोग फिर यहाँ पे इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वही हमें क्वान को दिखाया जाता है जिसे अब रियलाइज हो चुका होता है कि आखिरकार क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेडीमेड मटेरियल को खरीदेगा जिसके बाद वो गेम को बनाने में लग जाएगा जिस वजह से इसे गेम बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर उन लोगों को इसे समझाना पड़ेगा कि गेम लेते वक्त वो पूरा अपना टाइम ले ताकि ये 3 महीने के अंदर अपने सारे पैसे उड़ा सके। दरअसल जब इसने अपने सिस्टम को कहा था कि इसे अपने गेम को अपडेट करना है तो उस समय इसे रियलाइज हो गया था कि अगर ये अपने गेम को अपडेट करता है तो और लोग यहाँ पे इसे अट्रैक्ट हो जाएंगे जिस वजह से इसकी जो प्रॉफिट है और जो फंड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्वान फिर यहाँ पे प्लान करने लग जाता है कि आखिरकार ये गेम को कैसे तबाह कर सकता है। तभी यहाँ पे इसे फोन में एक मैसेज आता है जो कि यहाँ पे बोंगशु ने भेजा होता है। ये देखता है कि बोंगशु यहाँ पे चाइना में होता है जो कि बंदरों के साथ खेल रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि आपका गेम नया हिट जाएगा। इस बात से ये गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में इस गेम को फ्लॉप करवाना ही पड़ेगा, ये इस बार खुद इस गेम को डेवलप करने में शामिल होगा ताकि अपना पूरा टाइम ले सके और इस गेम को फ्लॉप करवा सके। ये फिर मिन लियांग और लिन वान को एक जगह बुलाता है तो यहाँ पे ये लोग इसे पूछते हैं कि आखिरकार उसने यहाँ पे इन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया। यहाँ पे ये सब बताता है कि प्लेयर्स को टेंगड़ा कंपनी काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से हम टेंगड़ा के ऊपर ये गेम बनाने वाले है। जहाँ पे उन्हें पता चलेगा ये कंपनी खोलने में कितनी मेहनत लगती है। ये लोग इसे पूछते हैं क्या वो लोग टेंगड़ा कंपनी की स्टोरी के ऊपर यहाँ पे गेम बनाने वाले है। ये से कहते हैं कि कुछ ऐसे ही समझ लो, इस गेम के थ्रू हम पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज करेंगे और सारा सिचुएशन बताएंगे कि हमारे गेमिंग इंडस्ट्री में कैसे सिचुएशन है। दरअसल ज्यादातर लोग यहाँ पे गेम में ज्यादा टाइम दे देते हैं अपनी पूरी लाइफ का, इस वजह से ये उन सबको समझाना चाहता है कि गेम अच्छे नहीं होते बिल्कुल, ताकि इसका भी फायदा हो सके। ये फिर से बताता है कि लोगों को ये गेम पसंद नहीं आएगा, पर क्वान सोचता है ये तो काफी अच्छी बात है ना, अगर लोगों को ये पसंद नहीं आएगा तो इसमें मेरा ही फायदा है। ये फिर से बताता है कि हम एक ऐसे गेम को डेवलप करने वाले हैं जिसमें प्लेयर्स यहाँ पे 2D कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में उन्हें पता चल सकता है, जिस वजह से लोगों को ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे वो अपनी स्टोरी लाइन चुन सकते हैं कि आखिरकार वो कौन से स्टोरी लाइन में जाना चाहते हैं। तभी लिनवान कहती है ये तो एक नीच जनर का गेम है। ये इसे कहता है कि हाँ ये नीच जनर का ही गेम है। क्वान सोच रहा होता है कि नीच जनर के गेम होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा बोरिंग गेम है, लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तभी यहाँ पे मिन लियांग इसे कहता है कि हम 2D कैरेक्टर को बना सकते हैं खुद से आर्टिस्ट हायर करके, पर क्वान सोचता है अगर उसने ऐसा किया तो वो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो इस चीज के लिए मना कर देता और कहता है कि हम ट्रेडिशनल इंटरेक्टिव फिक्शन गेम को ही बनाएंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोगों को लगेगा हमने दूसरे की गेम की कॉपी की है और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्वान फिर इन दोनों को गेमिंग की दुनिया में ले आता है और इन दोनों को यहाँ पे आसपास की चीजें दिखाने लग जाता है और इन दोनों को बताते हैं कि गेम जैसे ही स्टार्ट होगा लोग अपने मुताबिक गेम को शुरू कर सकते हैं जिसके बाद उन्हें डिफरेंट एंडिंग मिलेगी, पर अगर वो गलती करते हैं तो पूरे ऑफिस में भगदड़ मच जाएगी जिस वजह से उन्हें यहाँ पे खुद से उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी के सेल को इफेक्ट करेगा। ये सब फिर यहाँ पे मीटिंग में बैठ जाते हैं जहाँ पे लिनवान इन्हें कहते हैं कि प्लेयर्स बोर ना हो इस वजह से हमें मीटिंग भी करवानी चाहिए, पर मिन लियांग इसे कहता है ये तो काफी ज्यादा बकवास है, लोग इसे डिस्करेज हो जाएंगे और इस गेम को खेलना ही छोड़ देंगे। पर क्वान इन्हें कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो लिनवान कह रही है वो बिल्कुल सही है, अगर हम एक ऑफिस गेम बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे मीटिंग भी बैठानी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार मीटिंग के दौरान क्या होता है और गेम कैसे बनते हैं, और मीटिंग का टाइम हम काफी बड़ा रखेंगे ताकि वो 2D कैरेक्टर से बात करके अपने आगे का गेम का फैसला ले सके। मिन लियांग फिर इसे कहता है कि मिस्टर पे आप घबराइए मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस गेम को बढ़िया बनाने के लिए। हमें फिर कुछ समय एक बात दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान की यूनिवर्सिटी में छुट्टियां पड़ चुकी होती है और ये ठंड की छुट्टियां होती है। तभी क्वान देखता है कि यहाँ पे बोंगशु का उसे मैसेज आया है, ये एक वीडियो मैसेज होता है जहाँ पे वो देखता है कि बोंगशु काफी मजे कर रहा होता है और इसे कह रहा होता है कि उसका अगला गेम काफी हिट जाने वाला है। क्वान फिर यहाँ पे मायांग को आराम करने के लिए कहता है और खुद वैकेशन पे चले जाता है। वही पे हम देखते हैं मिन लियांग को जो कि यहाँ पे अपने कैरेक्टर में वॉइस दे रहा होता है, पर यहाँ पे लिनवान उसे कहती है कि अपने कैरेक्टर में थोड़ा इमोशन डालो, अगर ऐसी चलता रहा तो ये गेम फ्लॉप हो जाएगा। पर यहाँ पे मिन लियांग ये कर नहीं पा रहा होता, वो इसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि गेम डेवलप करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। लिनवान फिर से कहती है कि तुम्हें हमारे गेम का प्रोड्यूसर बनाया गया है तो एक प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करो ना कि एक बच्चे जैसा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि मिस्टर क्वान की जो उम्मीदें है वो हमारे ऊपर टिकी हुई है और हमें किसी भी हाल में एक अच्छा गेम बनाना पड़ेगा जो कि उनके लिए प्रॉफिट ला के दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो
प्लीज इस गेम को अच्छे से रिव्यू करके इसके ऊपर अच्छे से वॉइस दो। अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये गेम काफी ज्यादा बेहतर बन जाएगा और हर कोई हमारी तारीफ करेगा, साथ ही साथ मिस्टर पे भी हमारी तारीफ करेंगे। जरा सोचो जब उन घटिया लोगों को हम एक्सपोज करेंगे जो कि गेम के लिए कुछ भी कूड़ा बना देते हैं। ये कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ये दोनों फिर मिलके यहाँ पे अपने कैरेक्टर के ऊपर आवाज देने लग जाते हैं और ये काफी अच्छे होते हैं। पर तभी यहाँ पे वो आदमी से कहता है कि तब क्या होगा जब प्लेयर्स गेम खेलने से ही मना कर देंगे। तो इसके बाद सुन के लिनवान कहते कि तुमने एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रखा है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमारे प्लेयर्स हमारे कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे तो कंपनी डूब जाएगी और यही इस गेम की एंडिंग होगी। गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप गेमिंग इंडस्ट्री के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। वही हमें क्वान के यहाँ दिखाया जाता है जो कि वैकेशन पे जा रहा होता है, पर जाने से पहले यहाँ पे शिंगहाई लुक बताता है कि मिनलियांग जब काम पे ना है तो यहाँ पे काम को भी स्लो कर दो, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी से एक मैसेज आता है जो कि बोंगशु का होता है और वो चाइना में मजे कर रहा होता है। इसकी ये वीडियो देख के ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ये काफी बार इसी ये मैसेज दे चुका होता है। वही पे हमें दिखाया जाता है लिनवान और मिनलियांग को जो कि अपने गेम की डबिंग का काम खत्म कर चुके होते हैं। या लिनवान क्वान की तारीफ करते हुए कहते कि मिस्टर पे एक माउंटेन की तरह है जो कि हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रहेंगे। तभी मिनलियांग इसे पूछता है कि फायर्स का स्टूडियो में जहाँ पे तुम पहले काम किया करती थी वहाँ पे ऐसा नहीं था क्या? ये इसे कहती वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ जैसे ही हमारे डायरेक्टर को एक बढ़िया गेम दिखा वो हमें सीधा कह देते थे कि इस गेम को कॉपी कर लो, किसी को क्या ही पता चलेगा। और जब ये गेम लॉन्च होगा तो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे फायर्स का स्टूडियो भी एक्सपोज हो जाएगा। वही हमें क्वान के ऑफिस के यहाँ दिखाया जाता है जो कि बोंगशु की वीडियो देख रहा होता है जो कि चाइना में होता है, पर वो देखता है कि बोंगशु अब उसके सामने होता है और उसके कपड़े फट चुके होते हैं। यहाँ भी ये बोंगशु से पूछता है कि उसे क्या हुआ या उसके पैसे किसी ने चुरा लिया क्या, उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई। ये ऐसे कहते हैं ये पैसों के बारे में नहीं है, मैं अकेले ट्रैवल करते करते काफी थक चुका हूँ, इस वजह से मुझे बीमारी भी हो गई है। ये ऐसे कहते हैं कि ठीक है आज से तुम काम पे आ सकते हो, तुम्हें ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हम देखते हैं यहाँ पे बोंगशु जो है वो अपने काम के डेस्क पे आ जाता है जहाँ पे वो अपने माउस को देखता है और जैसे ही इसे हाथ लगाता है इसके कपड़े नए हो जाते और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तभी हम देखते हैं मिनलियांग आ जाते हैं जो कि इसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नए गेम की डिजाइन भेजी है, क्या तुम चेक करके बता सकते हो क्या? पर क्वान ने इसे यहाँ पे इसकी मदद करने से मना किया होता है। इसी वजह से इसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्वान ने मुझे इस चीज के लिए मना किया है, तुम्हें खुद इस चीज का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये इसे कहता है इसी बात है तो फिर ठीक है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे बोंगशु और सी वो मिल के यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। बोंगशु उससे इसके काम के बारे में पूछता है, ये सब बताता है इसे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिले, इसी वजह से इसने कोई से भी काम को अभी स्टार्ट नहीं किया है। ये बस यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि ये ऑफिस को देखना चाहता था और ये काफी दिनों के बाद यहाँ पे आ रहा होता है। ये फिर से पूछता है क्या मिस्टर पी ने फाइनली डिसाइड कर लिया प्रोजेक्ट ऑयल ड्रिंक को यहाँ पे अपडेट करने के लिए? ये इसे कहते कि नहीं, मिस्टर पी यहाँ पे उसे अपडेट नहीं करना चाहते। तो ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम प्रोजेक्ट ऑयल को कम से कम ऑटोमाइज तो कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर काफी सारे बग्स है, अगर हमने उसे अपडेट कर दिया तो मिस्टर पी के लिए काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनवान समेत काफी लोगों को यहाँ पे कॉल आने लग जाती है और सब लोग इसे पूछ रहे होते हैं क्या ये ऑयल प्रोजेक्ट को अपडेट करने वाले है, पर ये लोग सभी को मना करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी मिनलियांग को एक कॉल आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि पैंथम जनरल और ऑयल रिंग को किसने यहाँ पे ऑटोमाइज कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पे उसकी रेटिंग बढ़ चुकी है और सभी लोग उसके अपडेट के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पे 10,000 सिग्नेचर भी ले लिया है। वो किसी भी हाल में इन दोनों गेम्स का अपडेट चाहते हैं और ये काफी बड़ी बात हो चुकी है, इसी वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और जैसे क्वान यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लिनवान उसे सारी चीजें बता देती है कि आखिरकार क्या क्या हो रहा है। पर क्वान इनसे पूछता है कि आखिरकार हमारे गेम के इतने ज्यादा फॉलोवर्स कैसे बढ़ गए और इतने सारे प्लेयर्स ने एक साथ सिग्नेचर कैसे किया। तभी यहाँ पे लिनवान से पूछते कि आखिरकार अब हम क्या करें। क्वान इन्हें कहता है कि उन सबको इग्नोर करो, हम यहाँ पे गेम्स को अपडेट नहीं देने वाले। तभी लिनवान इसे बताते कि धीरे धीरे करके किसने हमारे दोनों गेम को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया है। क्वान इसे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने हमारे गेम को ऑप्टिमाइज किया है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग दोबारा से इनके गेम को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। तभी सिबू इनसे पूछता है क्या तुमने पैंथम जनरल के आर्टवर्क को यहाँ पे अपडेट किया है क्या? बोंगशु इसे बताता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आखिरकार ये किसने किया होगा? फिर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। हमें फिर आखिर में पता चलता है ये और क्यों नहीं, ये रुआन ग्वान होता है। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला। ये इस कहानी का एपिसोड 14 था। इसके और भी वीडियोस है जो कि मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो अभी आए नहीं है, वो हफ्ते में आते हैं, पर चिंता मत करिए इसका जो अगला एपिसोड है वो जल्दी आने वाला है। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।